ठीक है तो शुरू करते हैं। जनरल स्टडी की क्लास है अपनी, सामान्य अध्ययन अपन पढ़ेंगे। और जीएस में जो टॉपिक अपना चल रहा है क्लास में, वो आपके जीएस का पेपर नंबर सेकंड है। पेपर नंबर सेकंड दो पार्ट में डिवाइड है, हम पार्ट नंबर ए पढ़ रहे हैं। और इसकी थीम है इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। जी आ जाइए। मैम जी बोलिए। आपने बताया था सभी को आवाज़ अगर देश में भारतीय आवाज़ का फिर से क्वेश्चन पूछो। मैम आपने कहा था कि मौलिक अधिकार हमें सुरक्षा करने से अगर देश में मैम भारतीय आवाज़ लगाया जाता है बिल्कुल होगी, लेकिन ऐसे मौलिक अधिकार ही सुरक्षित रहेंगे जो बहुत ही मैंडेटरी हैं, अति आवश्यक हैं। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है हमारी लाइफ में, लाइफ अगर हम हैं तभी तो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर हम नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। तो राइट टू लाइफ जो है हमारा, जीवन जीने की आज़ादी या जीवन जीने की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल नंबर 21 में मेंशन है। और कोई भी इमरजेंसी लग जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये फंडामेंटल राइट आपसे कभी भी छीना नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आर्टिकल 20 है। आर्टिकल 20 है कि कुछ केसेस में आपको डिटेंशन से फ्रीडम मिलेगी, है ना। मतलब अगर आपको अरेस्ट कर लिया गया है तो उस केसेस में आपके क्या क्या राइट है, तो वो भी उस समय सुरक्षित रहेंगे। क्लियर है, आंसर क्लियर है क्वेश्चन का? और कोई क्वेश्चन है क्या, किसी को कोई क्वेश्चन है? चलिए नहीं है तो आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, ठीक है। जनरल स्टडी हम पढ़ रहे हैं इस क्लास में, सामान्य अध्ययन। अगर आप अपना सिलेबस ओपन करोगे तो प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू तीनों ही लेवल पर इंडियन पॉलिटी पूछता है आपसे। सिलेबस में कहाँ मेंशन है, तो यूपीएससी के सिलेबस में भी और स्टेट पीएससी के सिलेबस में भी जीएस का पेपर नंबर सेकंड इंडियन पॉलिटी है। हर बार के पेपर उठा लो पिछले 10 साल के, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से पूछे गए। सीधे सीधे कितने क्वेश्चन, 10 to 15, इससे कम क्वेश्चन कभी नहीं आए, ठीक है। और मेंस में तो पूरा का पूरा एक सेक्शन ही है पॉलिटी का, तो वही सेक्शन हमारी क्लास में चल रहा है, ठीक है। इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था, और इंडियन पॉलिटी को दो सेक्शन में डिवाइड करके आपके सिलेबस में दिया हुआ है। एक दिया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम भारतीय संविधान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ द लैंड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में किस तरह से एग्जीक्यूटेड है, कमेंस से लॉ ऑफ द लैंड। मतलब भारत में सिर्फ एक ही चीज़ सुप्रीम है, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर नेशन। इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है, ठीक है। सबसे सुप्रीम अगर भारत में कुछ है, अगर आपसे पूछा जाए, ऑप्शन दे दिया जाए, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट है, या प्राइम मिनिस्टर है, तो क्या आंसर होगा? क्योंकि राष्ट्रपति हो, चाहे संसद हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, ये तभी तक हैं जब तक संविधान है। इनके बारे में कहाँ मेंशन किया है कि आर्टिकल 52 होगा तभी तो राष्ट्रपति होंगे, अगर 52 नहीं होगा तो राष्ट्रपति का एग्जिस्टेंस होगा क्या? आर्टिकल 74-75 होगा तभी तो प्रोविज़न अबाउट द प्राइम मिनिस्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इट मीन्स कि सबसे अगर कोई बड़ी चीज़ है तो वो क्या है, इसे हम लॉ ऑफ द लैंड बोलते हैं, इज दैट क्लियर। और इंडिया में ये सुप्रीम है, हमारे देश में एक ही चीज़ चलती है, वो चलती है लॉ। लॉ से बढ़ के कुछ भी संभव है ही नहीं। तो एक तो है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान, और एक है गवर्नेंस, या जिसको हम बोलते हैं शासन व्यवस्था, जिसमें शासन प्रशासन और तमाम तरह के संगठन ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो संवैधानिक हो चाहे असंवैधानिक, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आप, तो दो सेक्शन में पढ़ते हैं, एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा गवर्नेंस। अभी जो क्लास में पर्टिकुलर टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, दैट इज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो भारतीय संविधान है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? अब भारतीय संविधान की जब हम बात करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं,
तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बेसिक चीज़ पता है कि क्या है, ये एक किताब है, जैसे आप जनरली सारी किताबें पढ़ते हैं वैसे ही एक किताब है। फ़र्क ये है कि उस किताब को हम सब ने मिल के सबसे ऊंचा दर्जा दिया है कि यही किताब हमारा देश चलाएगी, फ़र्क बस इतना है। अब इस किताब में जो जो चीज़ें लिखी गई हैं वो हमें पढ़ना है। इस किताब की फ्रेमिंग क्या है, इस किताब में कुछ भाग हैं, इस किताब में कुछ अनुच्छेद हैं, इस किताब में कुछ अनुसूची है ना, पार्ट्स हैं, आर्टिकल्स हैं और शेड्यूल्स हैं। पार्ट्स में है 22, आर्टिकल्स 395, शेड्यूल 12। ठीक है, मेन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास शेड्यूल, एक बेंच पर एक ही को बैठना है, पीछे स्पेस है, ठीक है, ओके। तो ये बेसिकली एक फ्रेमिंग है कि ये जो किताब है इसमें इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। इस पूरी किताब के डिज़ाइनर, या आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आर्किटेक्ट किसने किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, वास्तुकार कौन है, डिज़ाइनर कौन है, तो एक ही नाम होगा, वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनके अलावा कोई कर भी नहीं सकता था। हमारे इंडिया के पहले लीगल मिनिस्टर थे, पहले विधि मंत्री भी कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इवन उस समय जो संविधान बनाने वाली कमेटी थी, सभाएं थी, उनमें सबसे ज़्यादा अगर कोई एजुकेटेड था, इवन अब तक भी इंडियन हिस्ट्री में जिनके पास सबसे ज़्यादा रिनाउंड डिग्रीज हैं वो कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसलिए उन्हें मॉडर्न मनु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडर्न मनु। ठीक है, जैसे एक समय में मनु संहिता थी उससे समाज चलता था, आज के ड्यूरेशन में कॉन्स्टिट्यूशन है उससे देश चलता है, और उसको किसने डिज़ाइन करा है। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट्स हैं, आर्टिकल्स हैं और शेड्यूल हैं, ये हम इसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड है। अब इसमें कौन सी चीज़ किस सीक्वेंस पर लिखी गई है वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि आज आपकी जो क्लास है उसमें जो टॉपिक चल रहा है उसमें हम पार्ट थर्ड पढ़ रहे हैं। कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? पार्ट नंबर 3। एक और दो कंप्लीट हो चुके हैं। कौन सा पार्ट चल रहा है? पार्ट नंबर 3। इसके अलावा आर्टिकल्स की बात करें तो पार्ट 3 में कहाँ कहाँ से आर्टिकल है? आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। ठीक है, 12 से लेकर 35 नंबर तक है, वो किसको डेडिकेटेड है? और पार्ट 3 का जो सब्जेक्ट है, जो थीम है, वो क्या है? मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। क्या है इसका थीम? क्लियर है? तो क्लास का टॉपिक क्या चल रहा है? संविधान। संविधान में भी मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। इतनी चीज़ क्लियर है? क्लियर हो गया इतना? चलिए अब इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि क्या है ये, क्यों इसकी नेसेसिटी है, ठीक है, कितने हैं, और वो सारी पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है? चलिए, हेडिंग है हमारी मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट, पार्ट 3 ऑफ कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन? या मौलिक अधिकार पहले हम पढ़ रहे हैं फिर कर्तव्य पढ़ेंगे। ठीक है, ये संविधान का कौन सा नंबर का भाग है? 3। इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आते हैं? 12 से 35। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं इसकी, देन फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपसे पूछे वर्ल्ड में पहली बार फंडामेंटल राइट किस देश में आए थे, कौन सा देश था? इससे पहले भी एक देश में आ चुके थे, वर्ल्ड में पहली बार मौलिक अधिकारों की अवधारणा ब्रिटेन में आई थी,
बट वो उतने ब्रॉड लेवल पर नहीं थी। 1215 में ब्रिटेन के राजा थे किंग जॉन। कौन राजा थे? उन्होंने एक चार्टर पेश किया जिसको बोला चार्टर ऑफ राइट, मतलब एक पेपर था जिसमें जनता के लिए कुछ अधिकार लिखे हुए थे, लेकिन वो अधिकार ऐसे थे कि ये मेल के लिए हैं, इतने फीमेल के लिए हैं, इतने इस क्लास के लिए, उतने इस क्लास के लिए, मतलब सभी के लिए वो अधिकार नहीं थे, वो कैटेगरी वाइज डिवाइडेड थे। कहाँ पर? मैग्ना कार्टा एक इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब ही होता है स्पेशल राइट या काफ़ी सारे अधिकार दे देना। पहली बार किस देश ने ये शुरू करा? यूके ने। कब? 1215। कौन थे वहाँ के किंग? किंग जॉन। इज दैट क्लियर? लेकिन ये जो राइट्स ऑफ चार्टर या चार्टर ऑफ राइट था, क्या बोल सकते हैं इसको हम? राइट्स, ठीक है, या अधिकार पत्र बोल सकते हैं। तो पहली बार कभी भी क्वेश्चन आए मूल अधिकारों का जिक्र या मूल अधिकारों का प्रोविजन वर्ल्ड के किस देश ने किया है, आंसर हमेशा क्या होगा? आंसर विल बी इंग्लैंड। कैसे अधिकार थे? तो वो अधिकार थे जो थोड़े प्रतिबंधित थे, मींस कैटेगरीज डिवाइड थी कि ये सिर्फ मेल के लिए हैं, ये सिर्फ फीमेल के लिए हैं, ये सिर्फ मिडिल क्लास के लिए हैं, ये सिर्फ हायर क्लास के लिए हैं, ठीक है, मतलब यूनिफॉर्मली किसी को भी फंडामेंटल राइट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए। फंडामेंटल राइट हैं क्या? तो फंडामेंटल राइट वैसे राइट हैं जो हम इंसान होने के नाते हमें मिलते हैं। हम इंसान तो हैं, अगर हमें फंडामेंटल राइट नहीं मिलेंगे तो हम डिग्निफाइड लाइफ जी पाएंगे क्या? तो एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए, है ना, एक अच्छा जीवन जीने के लिए मौलिक अधिकारों का होना बहुत मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी है। ये एक फैक्ट, फर्स्ट फैक्ट क्या है कि वर्ल्ड में पहली बार। दूसरा है कि विश्व में सभी को फंडामेंटल राइट समान रूप से देने वाला पहला देश कौन था? उसका आंसर अभी आप लोगों ने दिया था, अमेरिका। इन्होंने क्या प्रोवाइड, इन्होंने बनाया बिल ऑफ राइट, क्या बनाया अमेरिका ने, क्या बनाया? बिल ऑफ राइट। और इस बिल ऑफ राइट के जरिए उन्होंने फंडामेंटल राइट दिए किनको? ऑल। ब्रिटेन की तरह वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं था कि इसको ये फंडामेंटल राइट देने, उसको वो नहीं देने, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन कहाँ नहीं था? हाँ, यूएसए में नहीं था, ठीक है। और यही वजह थी कि फिर आपसे पूछेंगे कि जो हमारे देश में फंडामेंटल राइट है वो हमने किस देश से लिए? भारतीय संविधान ने मौलिक अधिकार किस देश से लिए? अमेरिका, ठीक है। और हमारे संविधान ने भी मौलिक अधिकार किसको दिए हैं? जितने भी कुछ सिटीजन भी हैं और कुछ नॉन सिटीजन भी, मतलब कुछ तो भारत के नागरिकों को है और कुछ ऐसे हैं जो भारत के नागरिकों के अलावा अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत में रह रहा है उसको भी कुछ मौलिक अधिकार, वो भी इंडिया की लैंड के अंदर वो फंडामेंटल राइट क्या कर सकता है? इंजॉय कर सकता है या उसको प्रैक्टिस में ला सकता है। क्लियर है? तो अभी तक हमने सिर्फ तीन फैक्ट पढ़े, ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। मैग्ना कार्टा क्या है? यूके गवर्नमेंट ने पहली बार मौलिक अधिकारों को शुरू करा बट कुछ चेंजेस के साथ या सभी के लिए नहीं थे। फिर पहली बार वर्ल्ड में सबके लिए फंडामेंटल राइट, सारे नागरिकों को, चाहे मेल फीमेल हो, गरीब अमीर हो, छोटा बड़ो, कैसा भी व्यक्ति हो, सभी को फंडामेंटल राइट एक समान अमेरिका ने दिए। ये पूरे वर्ल्ड में एक ड्रास्टिक चेंज था। और फिर दुनिया के तमाम देशों ने अपने नागरिकों को देना शुरू करा। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ने भी इसको मेन कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 3 में प्लेस किया। और हमारे यहाँ पर भी बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही अच्छे अच्छे फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है। कौन कौन से, वो अभी हम देखेंगे। ये एक बेसिक क्या है, हिस्ट्री है वर्ल्ड वाइड लेवल पर फंडामेंटल राइट की।
इंडियन फंडामेंटल राइट या इंडिया के संविधान के पार्ट नंबर 3 को मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। पार्ट नंबर 3 को क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा। ठीक है, कभी ये क्वेश्चन आ जाए तो आप बता सकते हो। मैग्ना कार्टा वर्ड बहुत बार आएगा, ठीक है, मल्टीपल टाइम आप ये शब्द देखोगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं? ठीक है, ये तो एक बेसिक सा वो था कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ द फंडामेंटल राइट और इंडिया तक ये कैसे पहुँचे। चलिए, ओके, तो फंडामेंटल राइट क्या है, ठीक है, ये हम देखेंगे कितने हैं टोटल, इनकी नंबर कितनी है। तो कितने हैं? मेन कॉन्स्टिट्यूशन में 7 थे। कितने फंडामेंटल राइट थे? 7। ठीक है, कौन कौन से? राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18। सेकेंड, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से आर्टिकल 3rd, राइट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। नेक्स्ट, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम 25 से 28। नेक्स्ट, राइट टू कल्चर एंड एडुकेशन या कल्चर एंड एडुकेशन राइट 29 से 30। नेक्स्ट, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31। इसी को हटा दिया गया है। कौन सा राइट हट गया है? राइट टू प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हिंदी में? संपत्ति का मालिक अधिकार। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32। इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोला है? संविधान की, क्वेश्चन आता है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान की आत्मा है? अनुच्छेद 32। बी आर अम्बेडकर ने इसको बोला है। किसने बोला है? क्यों बोला है? क्योंकि ये एकमात्र ऐसा मौलिक अधिकार है जो ये गारंटी देता है। क्या देता है? गारंटी प्रोवाइड करता है कि आपको ये सारे फंडामेंटल राइट मिलेंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी आर्टिकल इसके अलावा गारंटी नहीं देता। क्या नहीं देता है? ये गारंटेड राइट है। गारंटी का मतलब तो समझते ही होंगे, इकोनॉमिक्स की टर्म में बहुत चलती है गारंटी वर्ड। तो ये आर्टिकल गारंटी देता है कि बाकी फंडामेंटल राइट आपको मिलेंगे। अगर नहीं मिले तो क्या कर लोगे आप? तो ये गारंटी कौन लेगा? ये गारंटी लेगा कोर्ट। कौन लेगा? न्यायालय। क्वेश्चन आता है क्या फंडामेंटल राइट की गारंटी सिर्फ उच्च न्यायालय दे सकता है या सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय दे सकता है या दोनों दे सकते हैं? ओनली सुप्रीम कोर्ट, ओनली हाई कोर्ट और बोथ? दोनों देंगे। पीछे दोनों, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई लोग सिर्फ हाई कोर्ट लगा के आते, सुप्रीम कोर्ट लगा के आते हैं, ये गलत है। कोर्ट मीन्स सुप्रीम कोर्ट में भी जाके आप अपने फंडामेंटल राइट की गारंटी ले सकते हो। आप हाई कोर्ट में जाकर भी, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, हाई कोर्ट की बात कौन सा आर्टिकल करता है कोई बताएगा? हाई कोर्ट की बात कौन सा आर्टिकल करता है? आर्टिकल 226। कौन सा आर्टिकल है? हमेशा याद रखना, मौलिक अधिकारों की गारंटी न्यायालय देगा, जिसमें आर्टिकल 32 देगा किसकी? आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, जबकि हाई कोर्ट आर्टिकल 226। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से ऐसा सेक्शन है जो गारंटेड है, पूरा का पूरा पार्ट 3 गारंटेड है,
पार्ट थ्री की गारंटी है कि वो आपको एटलीस्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, बाकी कुछ और मिले या ना मिले, ठीक है। इसके अलावा ये जो गारंटेड फंडामेंटल राइट है, इसका कॉन्सेप्ट भी अमेरिका ने शुरू करा। किसने शुरू करा है? उसी से हमने इंस्पायर करके लिया है। तो हमारे पास टोटल कितने फंडामेंटल राइट थे? नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट 7। फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी, हम यहीं से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। राइट टू इक्वालिटी को हिंदी में बोलते हैं समता, ठीक है, कि जितने भी लोग हैं वो चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी जन्म स्थान, मूल वंश, कहीं से भी आते हों, किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, गरीब हो, अमीर हो, गोरे हो, काले हो, हाइट ज़्यादा हो, नाटे हो, किसी भी लेवल के लोग हों, सबको इक्वली इक्वालिटी मिलेगी, सबको समान समझा जाएगा इंडिया के अंदर। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉमिस करता है, ठीक है। इसलिए राइट टू इक्वालिटी सबसे पहले नंबर पे और सबसे इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है, ठीक है। इसके अंतर्गत चार फंडामेंटल राइट आ, मतलब 14 से लेकर 18 तक फंडामेंटल राइट इसमें शामिल किए गए। पढ़ेंगे एक एक इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट और उसकी एग्जिस्टेंस वगैरह। दूसरा राइट टू फ्रीडम, इसको हम बोलते हैं स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। किसका मौलिक अधिकार है? किसी भी तरह की स्वतंत्रता हो सकती है, बोलने की आज़ादी सबसे इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 में 6 तरह के मौलिक अधिकार, पहले 7 थे, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी यहाँ से हटा, यहाँ भी राइट टू प्रॉपर्टी था, वो भी क्या हो गया, अपने आप एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो 19 से 22 तक हम स्वतंत्रता के बारे में पढ़ेंगे। फिर है अगर कोई आपका शोषण कर रहा है, शोषण बहुत तरह के शोषण हो सकते हैं, बच्चों के शोषण होते हैं कम उम्र में, उनसे खतरनाक फैक्ट्री में काम कराया जाता है जहाँ पे केमिकल वगैरह की वजह से उनको बहुत सारी तरह की डिसीजेज हो जाती हैं, ठीक है। तो उनका शोषण, इंसानों का शोषण होता है, कमज़ोर वीक इंसान को कोई भी व्यक्ति खरीद के किसी दूसरे देश में बेच भी सकता है, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। क्या बोलते हैं? ह्यूमन मानव व्यापार, मानव देह व्यापार, ह्यूमन के ऑर्गन की ट्रैफिकिंग होती है ना। कोई गरीब व्यक्ति है, अब कोई अमीर है, उसका लीवर ख़राब हो गया, गरीब को पकड़ के ले गया, उससे मैच करा के उसका निकाल के उधर डाल दिया, किडनी और ये सब चीज़ों की क्या होती है? ट्रैफिकिंग होती है या दुर्व्यापार होता है। तो ये इंसान का क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है। तो इसके विरुद्ध आपको क्या है? गारंटी है कि अगर ऐसा किसी का शोषण हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, जिसने भी किया है उसको वो दंड देंगे। फिर हमारे पास है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, धार्मिक स्वतंत्रता। हमें पता है कि भारत धर्म निरपेक्ष देश है, पता है कि नहीं? या संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष वर्ड का भी यूज किया गया है। सभी धर्म निरपेक्ष का मतलब है कि ऐसा देश जिसके सभी धर्म जिसकी दृष्टिकोण में समान है, मतलब कि कंट्री ट्रीटेड ऑल रिलीजन इक्वली, ठीक है। ऐसे देश को क्या बोलते हैं? धर्म निरपेक्ष। सारे धर्म उस देश के हैं या उस देश का कोई भी धर्म नहीं है, यही धर्म निरपेक्षता की या आपकी सेकुलरिज्म की डेफिनेशन है। तो रिलीजियस फ्रीडम है, आप किसी भी धर्म को मानने वाले हो, आप देखते होंगे घर से निकलते हैं कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति अपने धर्म को प्रैक्टिस कर सकता है। कोई तिलक लगा के घूम रहा होगा, कोई पंडित है पूरे बाल गायब पीछे सिर्फ चोटी होगी, कोई गेरुए वस्त्र पहना होगा, कोई औरत बुरका पहन के घूम रही होगी, किसी की दाढ़ी होगी और टोपी लगाए हुए होगा, कोई क्रॉस पहन के बड़ा सा गाउन पहन के घूम रहा होगा, ऐसे लोग दिखते रहते हैं हम लोगों को। ये सब इससे हमें क्या पता चलता है कि वो क्रिश्चियन है, वो मुस्लिम है, वो हिंदू है, वो ये है, ठीक है। तो हमें अपने धर्म को प्रैक्टिस करने की आज़ादी, ऐसा नहीं है कि आप जिस भी धर्म को मानते हैं लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, ठीक है। कई बार रेलवे स्टेशन वगैरह पे स्पेसिफिकली क्रिश्चियन लोग आकर अपने धर्म का एडवर्टाइजमेंट करने लगते हैं, बताने लगते हैं लोगों को, मैनिपुलेट करते हैं कि वो धर्म बदल लें। इस्कॉन वाले किताबें बांटते रहते हैं, जगह जगह लेक्चर देते रहते हैं, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें देखी होंगी आपने। तो वो फ्रीडम है हमें, हम किसी एक धर्म में हैं, हम अपना धर्म कितनी बार भी बदल सकते हैं। ये हमें स्वतंत्रता किसने दी है? ये हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। हमें रिलीजियसली कोई बाउंडेशन नहीं है, तो इसके लिए 25 से 28 तक आर्टिकल है हमारे पास। फिर है आर्टिकल हमारे पास कल्चरल और एजुकेशन राइट। कौन कौन से राइट हैं? कल्चरल और एजुकेशन राइट। हमारी एक अपनी यूनिक संस्कृति है, क्या है?
हिंदू संस्कृति अलग है, मुस्लिम और अलग अलग धर्मों की अलग है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई कल्चरल बॉडी है ना, जैसे कि मठ सुना होगा आपने, मदरसे सुने होंगे, चर्च सुना होगा, तो ये कल्चरल भी और रिलीजियस भी बॉडी उनको सेव करने के लिए ये। फिर है राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि था फंडामेंटल राइट बट अब नहीं है। हमें पता है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में फंडामेंटल राइट की लिस्ट से डिलीट कर दिया गया है। कौन सा राइट? राइट टू प्रॉपर्टी क्या हो गया है, डिलीटेड फ्रॉम दी लिस्ट ऑफ दी फंडामेंटल राइट। लास्ट ईयर का क्वेश्चन है ये। और कौन सा अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में? 44th, ठीक है। क्यों इसको डिलीट कर दिया गया है, ये क्या था, तो वो सब आगे का अभी हम समझेंगे तो डिटेल में देखेंगे। बेसिक सा यही है कि हम अगर भारत के नागरिक हैं तो हमें अपने देश में संपत्ति रखने का अधिकार है। किस चीज़ का अधिकार है? संपत्ति, है ना। आपका अगर कोई घर पसंद आता है और आपका बजट है तो आप वो खरीदोगे कि नहीं, कोई रोकेगा क्या आपको? ठीक है, या कोई ज़मीन पसंद आती है, कुछ भी हम खरीद सकते हैं, तो हमें प्रॉपर्टी होल्ड करने का पूरा फ्रीडम है। लेकिन वो प्रॉपर्टी कब तक आपकी है, ये चीज़ गवर्नमेंट के ऊपर है। अगर आपने घर लिया, यहीं एमपी नगर में आपने घर लिया, ठीक है, और जिस जगह आपका घर है उस जगह एक नेशनल हाईवे होकर गुजरना है, क्या जाना है, एक NH, या वहाँ पे कोई डैम बनना है, मतलब भोपाल से कितने नेशनल हाईवे पास होते हैं, कौन कौन से कोई बताएगा? भोपाल से नंबर ऑफ एच है NH, NH मतलब नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, दो ही गुजरते हैं। NH 12 पे तो सब गए होंगे, एक है NH 86। हाँ ठीक है, लेकिन जो है वो उसके नाम बदलते रहते हैं NH के, तो लेकिन क्या मेन भोपाल की बात कर रहे हैं, मेन भोपाल से मेनली दो ही NH पास होते हैं, एक 86 अगर आप इंदौर वाले रीजन से इधर आते हैं तो, बाकी जो है लगी हुई बाउंड्री से तो काफ़ी सारे NH गुजरते हैं। पूरी MP में 38 NH है, कितने हैं टोटल? 38। और NH बनने का काम रेगुलर चल रहा है, आप देखो रोड तो हमेशा ही बनती रहती है, ऐसा थोड़ी कि बन गए, तो वो डेली बढ़ रही है। चलिए तो यहाँ से कुछ भी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, कोई सरकारी प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, वो यहाँ से जा रहा है। अब आप अकेले हैं या बाकी बहुत सारे और घर हैं यहाँ पे, तो सरकार इन सारे घरों को क्या करेगी, तोड़ देगी, आपका भी उसमें और यहाँ से वो प्रोजेक्ट जाएगा, ठीक है। इसलिए बदले में आपके जो घर की जो भी मार्केट वैल्यू है वो आपको मिलेगी, ऐसा नहीं है कि आपको रोड पर लाके खड़ा कर दिया जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ लोगों के फंडामेंटल राइट के सिक्योर करने के चक्कर में एक बड़ा सा जो काम है जिससे लाखों लोगों को बेनिफिट हो सकता है वो क्या हो सकेगा, रुक सकता था। इसलिए अमेंडमेंट करा 44 अमेंडमेंट 78, ताकि जो भी प्रॉपर्टी का फंडामेंटल राइट है वो हट गया। अब सरकार बिना किसी हर्डल के, बिना किसी ब्रेक के क्या कर सकेगी, अपने सारे काम निपटा सकी। इसलिए उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की लिस्ट से इरेज कर दिया। अब जो ये जो आर्टिकल था 31, ये कॉन्स्टिट्यूशन से डिलीट हो गया टोटल। और इस आर्टिकल में जो चीज़ लिखी थी उसको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 300A में लिख दी। बस फर्क ये है कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है, गारंटेड राइट नहीं है। अगर ये यहाँ था तो क्या था, गारंटी थी, अब इसकी गारंटी है क्या? अब ये एक विधिक अधिकार हो गया, लीगल राइट हो गया, ठीक है। जब तक ये अमेंडमेंट नहीं हुआ था तब तक आपका घर है यहाँ, सरकार यहाँ से कोई काम शुरू कर रही है वो नहीं कर सकती थी। अगर आपने मना कर दिया कि नहीं हम अपना घर नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए आप, सुप्रीम कोर्ट ने तो गारंटी दी है ना, राइट टू प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट है, सरकार को वो प्रोजेक्ट क्या करना पड़ता, कैंसिल करना पड़ता। लेकिन अब ऐसा है क्या? अब ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो क्या, ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको उस चीज़ की गारंटी नहीं है। इवन चले भी गए तो वहाँ ये गारंटी नहीं है कि आपके फेवर में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन है क्या कि जो मकान खाली करवाएंगे उसको
ये लॉ बना है ना, ये 44th अमेंडमेंट 78 में लिखा हुआ है कि जिस भी व्यक्ति की संपत्ति अगर ली गई है तो उसको उसकी संपत्ति का हर्जाना सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ये बिल्कुल पूरा एक्ट बना हुआ है, ठीक है। 2013 में भूमि अधिग्रहण अधिनियम आया था, सब इसी के बाद आए, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कि उनको मिलेगी, और इससे कई लोगों की लाइफ बन गई। कई लोग ऐसे थे जो कि बहुत ही इंटीरियर एरिया थे। आपने पुनासा डैम का नाम सुना होगा, इंदिरा सागर डैम कहाँ पर है? पुनासा खंडवा में है, ठीक है। बहुत ही इंटीरियर एरिया था, एकदम गांव थे, ज़मीन के कोड़ियों के दाम थे। लेकिन जैसे वहाँ पे ये डैम कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, लोगों को उनकी प्रॉपर्टी की अच्छी वैल्यू दी गई, और जो लोग गरीबी और बहुत ही बुरी स्थिति में थे, अब वो कहीं ना कहीं अच्छी जगह अच्छे शहरों में माइग्रेट होकर एक अच्छी लाइफस्टाइल गुजर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ नुकसान ही होगा, फ़ायदा भी क्या होता है, काफ़ी होता है, ठीक है। चलिए, तो ये है राइट टू प्रॉपर्टी। इसलिए ये पूरा का पूरा अब क्या हो गया है, ये इस लिस्ट में नहीं आएगा, गारंटी वाली लिस्ट में नहीं आएगा। और सबसे लास्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब कि अगर इनमें से कोई भी अधिकार आपको नहीं मिल रहा है तो उसकी गारंटी आर्टिकल 32 देगा। सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ सीधे, सुप्रीम कोर्ट खुद आपसे ज़्यादा चिंता करेगा आपके मौलिक अधिकारों की। किन की? लेकिन सिर्फ इन 6 की, ठीक है। तो ये 6 फंडामेंटल राइट है हमारे, और इनको हम बहुत डिटेल में अभी फ़िलहाल समझने वाले, ठीक है। तो नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट थे 7, एक डिलीट हो गया, क्यों हो गया समझ गए, और अभी बचे हैं 6, ठीक है, ओके। अब हम एक एक करके इन सबको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपका उठ सकता है यहाँ पे कि ये जो मौलिक अधिकार है ये कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35। लेकिन अभी हमने राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट शुरू करा, ये हमने शुरू करा कहाँ से? 14 से, और ख़त्म कहाँ हो रहे हैं? लास्ट 32 था, शुरू 14 से हुआ। तो शुरू के ये दो कहाँ गए, और लास्ट के 35 ये कहाँ गए? क्या ये फंडामेंटल राइट नहीं है? ठीक है, और अगर नहीं है तो ये इस पार्ट में क्या कर रहे हैं, है ना? एक बेसिक क्वेश्चन ये बनता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट तो सिर्फ 14 से कहाँ तक है? 32 तक। जो 12-13 है शुरू के, वो बेसिक डेफिनेशन है। क्या है? 12 डेफिनेशन है स्टेट की। 12 में किस चीज़ की परिभाषा दी गई है? राज्य क्या है। ये राज्य ज्योग्राफी वाला राज्य नहीं है कि मध्य प्रदेश का नक्शा, उत्तर प्रदेश का नक्शा, ये पॉलिटी वाला राज्य। पॉलिटी में राज्य का मतलब होता है गवर्नमेंट। क्या मतलब होता है? और गवर्नमेंट में जितनी भी चीज़ें सरकार में आती हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, केंद्र सरकार हो, केंद्र सरकार संसद से चलती है, चाहे वो राज्य सरकार हो, राज्य सरकार चलती है किससे? विधानमंडल, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद आती, ग्राम पंचायत, नगर निगम, ये सारी लोकल बॉडीज, ये सब सरकार में आती हैं। मतलब जहाँ भी आपको सरकार जैसी चीज़ दिखे वो सब क्या कहलाएगा? वो राज्य कहलाएगा, ठीक है। ये मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र वाला राज्य नहीं है, ये पॉलिटी वाला राज्य है। और पॉलिटी वाले राज्य में राज्य का मतलब क्या होता है? सरकार। सरकार में क्या आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट भी आएगी, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी आएगी, ठीक है। और जो लोकल बॉडीज़ हैं, ठीक है, स्थानीय स्वशासन या स्थानीय सरकार है। कौन है फादर ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इंडिया में? स्थानीय स्वशासन के जनक किसे माना जाता है? कोई बताएगा? हु इज़ द फादर ऑफ द लोकल गवर्नमेंट? नहीं पता हो तो लिख लीजिए, लॉर्ड रिपन। फादर ऑफ द लोकल गवर्नमेंट
लोकल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? गाँव में ग्राम पंचायत, जिले में जिला परिषद, ब्लॉक में ब्लॉक पंचायत, नगरों में नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, इसे हम क्या बोलते हैं? स्थानीय स्वशासन या लोकल गवर्नमेंट। आप जहाँ रहते हैं वहाँ की लोकल सरकार तो यही है, जिससे आपका कोई भी काम हो। मान लीजिए आपके घर के पास कोई जो है पाइप है वो क्या हो गया, कहीं से तोड़ गया है और गंदा पानी पूरे मोहल्ले में फैल रहा है, क्या करोगे आप? कहाँ जाओगे? मुख्यमंत्री के पास चल जाओगे सीधा? प्रधानमंत्री को फ़ोन लगा दोगे? विधानसभा में चले जाओगे? कहाँ जाओगे? अगर आप गांव में रह रहे हैं तो आप किससे शिकायत करोगे? ग्राम पंचायत से। आप अगर तहसील में रह रहे हो तो ब्लॉक पंचायत है, नगर पालिका होगी, उससे करोगे। जिले में रह रहे हो तो जिला परिषद में चले जाओगे। अगर आप भोपाल में रह रहे हो तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? नगर निगम, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति है, आप सुबह उठते हो और आपके घर के सामने डेली बड़ा सा कचरे का ढेर मिलता है, एक आध हफ्ते तक यही हो रहा है, पकड़ ही नहीं पा रहे हो कौन कचरा फेंक के जा रहा है, कहाँ जाओगे शिकायत करने? तो आपसे जिसका कनेक्शन है उसी को तो लोकल बॉडी बोलते हैं। तो जितनी भी लोकल बॉडीज हैं वो सब भी क्या कहलाती हैं, क्योंकि वो चला कौन रहा है? सरकार। नगर निगम की गाड़ी आएगी, आपके सामने घर के सामने पड़ा हुआ कचरा है उसको क्लीन करेगी, टूटा हुआ पाइप है उसको रिपेयर करेगी या रिप्लेस करेगी, और आपसे एक भी रुपए नहीं लेगी। यही काम अगर आप किसी प्राइवेट से कराओगे तो आपसे क्या करेगा? चार्ज करेगा। तो सरकार आपको फ्री में सेवाएं दे रही है, इसलिए वो किसका पार्ट है? ये भी राज्य है। एक सरपंच भी राज्य का हिस्सा है, एक सचिव भी राज्य का हिस्सा है, और विधानसभा में विधायक बैठते हैं वो भी राज्य हैं, संसद में सांसद बैठते हैं वो भी राज्य हैं, ठीक है। तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? राज्य के अंतर्गत आएंगे। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ इसको समझ लीजिए। क्या सुप्रीम कोर्ट राज्य है? इस पर बहुत सारी डिबेट भी हुई है, क्या सुप्रीम कोर्ट राज्य है? सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसका आंसर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब हम न्याय दे रहे होंगे, मतलब जब हम किसी केस पर सुनवाई करेंगे और उसको जस्टिस दे रहे होंगे, तब हम राज्य नहीं है, तब हम क्या नहीं है? सरकार नहीं है, राज्य नहीं है। लेकिन अगर हम कुछ प्रशासन से रिलेटेड मैटर देख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ काम हम देख रहे हैं, तो हम क्या हैं? राज्य। तो सुप्रीम कोर्ट स्टेट है इन सर्टेन केसेस, और स्टेट नहीं है इन सर्टेन केसेस। जब वो किसी केस की सुनवाई कर रहे हैं तो वो स्टेट, क्योंकि सरकार हमेशा क्या देखेगी? अपना मुनाफा देखेगी, ठीक है। मान लीजिए कोई बहुत बड़े लेवल पर कोई केस हो जाता है और सरकार को जवाब देना होता है, तो सरकार कभी भी अपनी गलती मानेगी क्या? आप सरकार में जाने वाले, एक चीज़ हमेशा याद रखना, कभी भी आप गलत नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? अगर आप सरकारी हैं, जिस दिन आप सरकारी हो गए उस दिन से आप गलत नहीं होगे, क्योंकि आपको पता है आप गलत हो, लेकिन फिर भी आप ओपनली नहीं बोल सकते कि आप गलत हैं, जनता चढ़ जाएगी आपके ऊपर, ठीक है, न्यूज़ चैनल वाले और दुनिया भर के लोग। इसलिए सरकार कभी क्या नहीं हो सकती, किसी भी तरह से वो अपने आप को सही प्रूफ करेंगी। और सर्वोच्च न्यायालय भी अगर सरकार हो गया तो क्या जनता को कभी न्याय मिल पाएगा? मिलेगा, क्योंकि वो भी कैसे ना कैसे करके क्या करेगा? सरकार को सही सिद्ध करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसे कई सारे बड़े बड़े मामले और मुकदमे हैं जब सरकार खुद मुकदमे हारी है, सरकार को हैवी पेनाल्टी पे करनी पड़ी है, ठीक है। किनको? गवर्नमेंट को पेनाल्टी देनी पड़ी है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट सरकार तब नहीं हो सकता जब वो क्या कर रहा है, जब वो किसी न्याय दे रहा है। लेकिन अगर वो किसी मामले पर जनरल ओपिनियन दे रहा है तब वो क्या हो सकता है? ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला। इज दैट क्लियर? तो राज्य की परिभाषा क्लियर हो गई है। आर्टिकल 12 क्या है? राज्य क्या है? हमें जितने भी मौलिक अधिकार मिले वो किसके अगेंस्ट मिले? जितने भी फंडामेंटल राइट हैं वो स्टेट के अगेंस्ट है। अगर सरकार कोई भी बॉडी कोई ऐसी स्कीम बनाती है जो लोगों के मौलिक अधिकारों को कम कर रही है, तो इसकी गारंटी किसने दी है? कौन यहाँ हारेगा? वो राज्य हारेगा। अगर आपकी ग्राम पंचायत में कोई ऐसा काम हुआ है या नगर निगम ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे उस पर्टिकुलर मोहल्ले के या कॉलोनी के लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो गया और ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तो किसको फटकार लगेगी? सरकार को फटकार लगेगी, ना कि उस पर्टिकुलर एरिया के लोगों को। तो किसके अगेंस्ट हमें सुरक्षा मिली है? अगर मौलिक अधिकार होते तो राज्य अपनी मनमर्जी करते कि नहीं करते? केंद्र सरकार अपने लेवल पर,
स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पर, लोकल बॉडीज अपने लेवल पर। तो फंडामेंटल राइट हमें किससे सिक्योरिटी देते हैं, किसके अगेंस्ट हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, इसलिए ये आर्टिकल 12 फंडामेंटल राइट वाली लिस्ट में रखा है। क्योंकि फंडामेंटल राइट कौन कौन आपके मौलिक अधिकारों को छीन सकता है, ठीक है, कोई एक इंडिविजुअल तो नहीं छीनेगा, ठीक है। क्योंकि अगर कोई एक इंडिविजुअल छीनने की कोशिश करेगा तो आप भी उसके खिलाफ क्या कर सकते हो, आप भी इंडिविजुअल हो, दो लोग हैं आपस में लड़ रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी कि आप सिर्फ पिटने के लिए आपका जन्म हुआ, मार भी सकोगे ना। हमें डर किससे, हमें डर उन पावरफुल बॉडी से है जिनके खिलाफ हम लोग कुछ भी नहीं। किसान आंदोलन कब से चल रहे हैं, किसके विरुद्ध चल रहे हैं, सरकार के विरुद्ध, कौन आखिर में पीछे हटा, कौन स्ट्रगल कर रहा है, कौन स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग सरकार है, और जो आंदोलनकारी उनकी संख्या कितनी है, लाखों में संख्या है, इतने तो पूरे सरकारी एम्प्लॉय भी नहीं होंगे, जिससे ज़्यादा क्या थे, आंदोलन करने वाले थे, लेकिन फिर भी स्टिल पावरफुल कौन है, आपके मौलिक अधिकार कौन छीन सकती है, सरकार ना छीने इसके लिए कहाँ व्यवस्था की गई है, ठीक है। इसलिए स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 12 में दी और आर्टिकल 12 को पार्ट 3 में रखा, ताकि आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सको किससे, मौलिक अधिकारों से, किससे कनेक्ट कर सको कि ये जितनी भी पावरफुल बॉडीज़ हैं, ये हैं पावरफुल, लेकिन हर एक इंडिविजुअल इतना कमज़ोर नहीं है कि वो उसके फंडामेंटल राइट को क्या कर दिया जाए, छीन लिया जाए, ठीक है। तो सरकार के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध आपको सुरक्षा कौन दे रहा है, फंडामेंटल राइट दे रहे हैं, और ये कैसे राइट है, ये गारंटेड राइट है। कौन गारंटी देता है, सर्वोच्च न्यायालय। आ गई बात समझ में। आर्टिकल 12 डायरेक्टली तो कोई मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन सारे मौलिक अधिकार आपको मिलेंगे, और किसके अगेंस्ट जाकर मिलेंगे, इस बात की व्यवस्था कौन से आर्टिकल में की गई है, ठीक है। क्यों रखा है आर्टिकल 12, यहाँ समझ में आ गया। आर्टिकल 13 की हम बात करते हैं। आर्टिकल 13 एक ही बात बोलता है, जो भी फंडामेंटल राइट की तरफ आंख उठा के देखेगा उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी, ठीक है। आर्टिकल 13 ये बोलता है कि कोई भी ऐसा अगर कोई लॉ बनता है या कोई ऐसा एक्ट बनता है जो किसी भी कंडीशन में मौलिक अधिकारों को कम करता है या दबाता है या उनको ओवरलेप करता है, ओवरलेप मतलब अध्यारोपित कर देता है, तो वो अधिनियम, वो लॉ उसी डेट से ज़ीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा, क्लियर है। सिंपल सी मतलब है कि कोई भी ऐसा नियम, कानून, अधिनियम नहीं बन सकता हमारे देश में जो मौलिक अधिकारों को कम कर सके, ठीक है। क्योंकि हटा नहीं सकते, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा बना दिया जो कम कर दे, तो वैसा पॉसिबल, इस बात की गारंटी कौन देता है, आर्टिकल नंबर 13, कि जो मौलिक अधिकारियों की तरफ आंख उठा के देखेगा, जो मतलब लॉ एक्ट, उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी, मतलब उसको, उस लॉ को उसी डेट से क्या मान लिया जाएगा, कौन मानेगा, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। इसलिए आर्टिकल 13 को हम जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्टिकल 13 है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन, क्या बोलते हैं, समीक्षा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी पूछ ले जुडिशियल रिव्यू इंडिया के कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो आर्टिकल नंबर 13। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है, कि आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, पॉलिटी आप पढ़ रहे हो, कि हमारे देश में कोई भी लॉ है, ठीक है, लॉ आगे जाके एक्ट बन जाता है, किसी भी लॉ या विधि पर जब प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। अगर हमारे पूरे देश के लिए कोई लॉ बन रहा है तो वो बनेगा हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण स्थान, लोकतंत्र का मंदिर बोलते हैं पार्लियामेंट को, क्या बोलते हैं, टेम्पल ऑफ द डेमोक्रेसी। अगर किसी देश में लोकतंत्र है तो वहाँ संसद होगी, क्या होगी, और भारत में तो क्या है, डेमोक्रेसी है, इंडिया में पार्लियामेंट है, राज्यसभा है, लोकसभा है और राष्ट्रपति हैं। कभी भी संसद इन तीन के बिना कंप्लीट नहीं है। संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा, अपर हाउस, लोकसभा लोअर हाउस एंड प्रेसिडेंट, ये तीन मिलके क्या बनाते हैं, इंडिया की
तो कोई भी लॉ है यहाँ पास होना चाहिए, यहाँ पास होना चाहिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि पहले वो यहीं हो, पहले यहाँ भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। फिर राष्ट्रपति उस पर क्या करने चाहिए, साइन, तब जाके वो क्या बनेगा, अधिनियम बनेगा, ठीक है। और गलती से अगर कोई ऐसा अधिनियम बना दिया जो मौलिक अधिकारों को कम कर रहा है तो वो अधिनियम क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ये बात किस आर्टिकल में बोली है, पहली बात तो बनने ही नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर बन गया तो वो क्या हो जाएगा, ये आर्टिकल 13 बोलता है, ठीक है। तो आर्टिकल 13 को डायरेक्टली, तो आर्टिकल 13 भी मौलिक अधिकार नहीं, लेकिन क्या कर रहा है, मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट कोई भी साजिश अगर होगी तो आर्टिकल 13 उस साजिश को क्या कर देगा, नाकाम कर देगा। ये अनुच्छेद नंबर 13 है, क्लियर हो गया। 12 13 यहाँ क्या कर रहे हैं, समझ में आ गया। अब हम यहाँ से 14 से 32 देखेंगे, फिर 33 34 और 35 की भी बात हम करेंगे। बट हमें कितना याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये कॉपी कट पेस्ट हो, ये एक प्रोसेस चलती रहेगी। चलिए आर्टिकल 14 क्या बोलता है ये देख लेते हैं, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। एवं विधियों का समान संरक्षण, कितनी बातें बोल रहा है, एक बोल रहा है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ। इंग्लिश मीडियम के कितने स्टूडेंट हैं,
आप बाकी सब हिंदी मीडियम ही हैं आप हो ना अकेले, चलो कोई नहीं ठीक है। विधि के समक्ष क्षमता और दूसरा पॉइंट है विधियों का, देखने में तो लगता है एक ही है, देखने में क्या लगता है कि एक जैसी तो बात है, क्या फ़र्क क्या है, बट ये बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है ठीक है। सबसे पहले तो जो विधि के समक्ष क्षमता है ये हमने किस देश से लिया है, इंग्लैंड से। किस देश से लिया है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यूके या इंग्लैंड। और जो इक्वल प्रोटेक्शन लॉ है ये हमने लिया है यूएसए। एक ही अनुच्छेद में दो बातें दो अलग अलग देशों से ली, एक आर्टिकल नंबर 40 नहीं है लेकिन दो अलग अलग पॉइंट है, और किन देशों से लिए हैं, दो डिफरेंट डिफरेंट देशों से लिए। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ किस देश से लिया है, यूएसए ठीक है। सिर्फ एक लाइन रटने से काम नहीं चलेगा, ये पूरा का पूरा आर्टिकल 14 सीधा आपको 11 नंबर में पूछ सकता है ठीक है, या आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है ठीक है, यस आर्टिकल 14 लिखने के लिए। तो दो अलग अलग चीज़ें हैं, विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण। ये जो विधि के समक्ष क्षमता है इसको नेगेटिव कॉन्सेप्ट माना जाता है, क्या माना जाता है, नकारात्मक संकल्पना। विधियों का समान संरक्षण है इसको पॉजिटिव कॉन्सेप्ट माना जाता है, सकारात्मक संकल्पना। अब क्या है पहले ये समझ लोगे तो ये दोनों आपको समझ में आ जाएंगे, क्लियर है, समझ लेते हैं इसको एक बार। विधि के समक्ष क्षमता का मतलब है एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। जो लॉ है हमारे देश में क्या चलता है, लॉ ही चलता है, लॉ ऑफ द लैंड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ठीक है। तो जो लॉ है उसके दृष्टिकोण में कोई भी लॉ बनाया है तो उसके दृष्टिकोण में कितने जो भी लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो, कोई गरीब व्यक्ति हो सकता है, कोई अमीर हो सकता है, कोई मेल हो सकता है, कोई फीमेल, कोई थर्ड जेंडर भी हो सकता है, कोई ब्लैक हो सकता है, कोई वाइट हो सकता है ठीक है, और किसी भी कैटेगरी के लोग हो सकते हैं, लेकिन लॉ के दृष्टिकोण में सब बराबर है ठीक है। अगर कोई लॉ है जिसमें किसी व्यक्ति के मर्डर की सज़ा फांसी है तो कोई भी व्यक्ति मर्डर करे, एक 8 साल का बच्चा है ना, उसके घर में बंदूक रख रही थी, खेलते खेलते उठा लिया और दबा दिया ट्रिगर, पिताजी को ही ऊपर पहुंचा दिया खेल खेल में ठीक है, मर्डर क्या कहलाएगा लॉ के दृष्टिकोण में, ये मर्डर ठीक है। सेम सिचुएशन है, एक व्यक्ति है 20, 22, 25 साल का, उसने प्लान करा है कि मुझे अपने पिताजी को ऊपर भेजना है ठीक है, कुछ निजी दुश्मनी है कुछ भी होगा, या पड़ोसी को ऊपर भेजना है, पिताजी छोड़ दो पड़ोसी को, पूरा प्लान करा, यहाँ वहाँ से खरीदा और उसको प्रॉपर इंटेंशनली मारा, दोनों केस में एक व्यक्ति की जान गई, एक व्यक्ति की क्या गई है, जान। इक्वालिटी बिफोर लॉ बोलता है कि उस 8 साल के बच्चे को भी फांसी हो और उस 25 साल के व्यक्ति को भी फांसी हो ठीक है, इसीलिए इसको नेगेटिव कॉन्सेप्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है कि लॉ ये नहीं देखता कि वो जो व्यक्ति है वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है, किस सिचुएशन में वो है, क्या उसे थोड़े मोड़े रिलैक्सेशन दिए जा सकते हैं, ये लॉ नहीं देखता, मतलब सब कोई लॉ की दृष्टि में क्या है, एक बराबर है। इसको क्या बोलते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ। विधि के समक्ष सब समता मतलब समान है, चाहे 8 साल के बच्चे ने मर्डर करा हो, चाहे 25 साल के व्यक्ति ने करा हो, मर्डर के पीछे जो भी इंटेंशन रहा हो, जो भी सर्कमटेंसेस रहे हो, एक व्यक्ति की जान गई इसका मतलब है मर्डर हुआ है, इसका मतलब है दोनों को ही, 8 साल के बच्चे को भी फांसी होगी, और इंग्लैंड में ऐसा ही होता है, क्लियर है। तो लॉ की दृष्टि में सब क्या है, और इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, नेगेटिव अप्रोच। जिंदा आदमी ऑन पेपर मर गया हो तो उसे मर ही माना जाएगा, क्या माना जाएगा, एक पिक्चर भी तो थी शायद कागज,
मारा ही माना जाएगा, मतलब वो खुद आए कि मेरा डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, सरकारी रिकॉर्ड में उसको डेट डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, इस पर अभी ये एक रियल केस भी है, यूपी के कोई व्यक्ति थे, उस पर एक पिक्चर भी बनी है, अभी एक साल पहले ही तो बनी, उस पर उन्होंने अच्छा एक्टिंग करी है। क्या तो नाम है उनका, उसमें वो थे ना मिर्ज़ापुर में कालीन भैया, क्या नाम, कौन से हीरो है वो, हाँ पंकज त्रिपाठी है ना, कागज नाम है पिक्चर का, कभी देख मौका मिले तो देख ना, उसमें वो ही है। हाँ तो बिल्कुल, वो अगर कागज़ में मरा है तो खुद भी अपने आप को जिंदा प्रूव नहीं कर सकता। ठीक है, ओके। तो लॉ, हम बोलते हैं ना लेडी ऑफ द लॉ जो है वो ब्लाइंड है, कानून अंधा होता है, ये हमने बहुत अर्ली चाइल्डहुड से हम ये कहानी सुनते आ रहे होंगे, पिक्चर्स और सीरियल्स में हम देखते हैं कि जज इधर बैठे हुए हैं, यहाँ पर एक स्टैचू रखा है ना, एक लेडीज़ के हाथ में तराजू है और आँखों में पट्टी बंधी है, सबूतों के बल पर ही न्याय होगा। ठीक है, और अब कई बार उसमें होता है कि कानून को दिखाई नहीं देता कुछ, वो सिर्फ क्या देखता है कि तथ्य क्या है, फैक्ट्स क्या है, फैक्ट्स ये हैं कि वो व्यक्ति मर चुका है, अब वो जिंदा आके भी बोलेगा तब भी आँख में पट्टी बंधी कैसे देखोगे कि ये यही व्यक्ति। ठीक है, चलिए, तो ये वाली बात को नेगेटिव हम क्यों बोलते हैं, समझ में आ गया, नेगेटिव अप्रोच या नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, क्यों है, क्योंकि लॉ सिर्फ ये देखता है कि अपराध क्या है, वो किन सर्कमस्टेंसेस में किन सिचुएशन में हुआ, इस पर कुछ भी दृष्टिपात नहीं होता। दूसरी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ने इसको पढ़ा तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि ये ऐसी रिजिड लॉ भी हमारे देश में होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ यही हो ये तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे देश में डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में लोग रहते हैं, कई लोग गरीब हैं, अब गरीब लोगों को न्याय मिलना मतलब एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो इतने कॉस्टली लॉयर हायर नहीं कर सकते, महंगे महंगे वकील। अब मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में है, अब कोई व्यक्ति दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र का है, अब वो जबलपुर जाएगा डेली किराया लगा के वहाँ रुकेगा, तो इतना खर्चा वो अफोर्ड कैसे करेगा, इससे अच्छा तो वो बोलेगा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, होने दो, अब हमें न्याय नहीं चाहिए। ठीक है, एक बहुत ही फेमस वो है, एक सेइंग है कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई, न्याय में देरी मतलब न्याय में मनाही। अगर कोई व्यक्ति है जिसके साथ अनजस्टिस हुआ है और उसको डिले या काफ़ी देर बाद उसको क्या मिला है, कई बार सुना होगा सुप्रीम कोर्ट का 22 साल बाद फैसला आया, किसी का 50 साल बाद आया, किसी का जिसने केस फाइल किया था वो तो ऊपर पहुंच गया, उसके बच्चे केस लड़ रहे हैं तब डिसीजन आया, तो ये क्या जस्टिस डिले है, क्या है इंडिया में ये है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है और जो जुडिशरी का मैकेनिज्म है वो बहुत ही स्मॉल है, प्रोसीडिंग बहुत लेंदी होती हैं, लंबे समय तक हियरिंग चलती रहती हैं, तो ये काफ़ी क्या है, और इससे जितना बचा जाए उतनी अच्छा है कि कोर्ट कचहरी इन चीज़ों से आप दूर हैं, उतने ही क्या रहेंगे, सुखी रहेंगे। तो वही चीज़ है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ने सोचा, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ने सोचा उस समय कि सिर्फ ये रख देना इंडिया में सही होगा क्या, कि एक लॉ बना दिया और सबको उसी की कैटेगरी मिला दिया, गरीब भी अमीर भी और हर कैटेगरी का व्यक्ति, ठीक है, छोटे बच्चे भी बड़े भी, मेल भी फीमेल भी, सबको एक कैटेगरी में हमें नहीं रखना है, तो उन्होंने इसको तो कॉपी कर लिया इंग्लैंड से, और इससे उनको लगा ये अधूरा है, तो फिर उन्होंने अमेरिका का संविधान भी पढ़ रहे थे साथ साथ, वहाँ से उनको एक बड़ी अच्छी चीज़ मिली, वो क्या थी, विधियों का समान संरक्षण, लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक एंड अनलाइक शुड नॉट बी ट्रीटेड लाइक। ठीक है, एक जैसे व्यक्तियों को एक जैसी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन असमान व्यक्तियों को समान तरीके से ट्रीट कर सकते हैं क्या, समान व्यक्तियों को समान तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए, लेकिन असमान व्यक्तियों को असमान ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, कई बच्चे डिसेबल होते हैं, उनके लिए अलग स्कूल होते हैं, क्या वो सामान्य स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि वो सामान्य हैं क्या, नहीं, तो उनके लिए स्कूल क्या होते हैं, अलग होते हैं, क्योंकि जो अनलाइक शुड नॉट बी ट्रीटेड लाइक, इज दैट क्लियर,
कहने का मतलब है विधियों का समान संरक्षण या इक्वालिटी बिफोर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में दो बातें कही गई हैं, जो लोग समान हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति हैं जो कि रिच है, या कोई व्यक्ति हैं जो किसी एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनको एक लॉ बना दो और उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटेड करो, इनके लिए इक्वलिटी बिफोर लॉ सही है क्योंकि लोग क्या हैं, समान। लेकिन कोई व्यक्ति उनमें असमानता है, अनलाइक है वो, मान लीजिए एक परिवार में 3 बच्चे हैं, एक 2 साल का बच्चा है, एक 10 साल का है और एक 15 साल का बच्चा है, ठीक है, तीनों बच्चे हैं बट तीनों के एज क्या है, क्या इन तीनों को पेरेंट्स इक्वल अटेंशन दे पाएंगे, तीनों को एक समान खाना दे पाएंगे, ठीक है, इसके लिए अलग व्यवस्था, लिक्विड डाइट ज़्यादा मिलेगी इसको, इसको थोड़ा सा और, इसको और खाना मिलेगा, मिलना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट वगैरह ज़्यादा मिलना चाहिए क्योंकि वो क्या कर रहा है, 15 साल का है, पढ़ वढ़ भी रहा होगा अच्छे से, खेलने कूदने भी जाता होगा, ये भी ठीक है, ये बेचारा तो सोते ही रहता होगा, ठीक है, तो इसको कम कैलोरी की कम डाइट की ज़रूरत है, इन दोनों को थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन एक फैमिली में 3 बच्चे और तीनों 2-2 साल के ही हैं, तो तीनों को एक ही खाना बनेगा, तीनों खाएंगे, सोने का समय भी एक ही होगा, सब कुछ कैसी चीज़ें रहेंगी, एक जैसी रहेंगी। तो जो लोग समान हैं उनके साथ समान व्यवहार करो, उनके लिए एक नियम बनाओ, एक लॉ बनाओ और सबको इक्वली दे दो। लेकिन जो लोग समान नहीं हैं उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना पड़ेगा, असमान। क्लियर हो गया। इंडियन सिनारियों में ये वाली चीज़ भी बहुत रेलिवेंट है क्योंकि हमारे देश में भी जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, वो बहुत बड़े लेवल पर, कैसे लेवल पर है डाइवर्सिटी, बड़े लेवल पर हर तरह की डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, सोशल डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, इकोनॉमिकल डाइवर्सिटी है, आर्थिक रूप से कितने सारे वर्ग हैं, बेसिकली 3 है, हाई, मिडिल और लो, फिर लो से भी और भी कई सारी कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो जैसे कि अभी आपने देखा होगा कोविड पीरियड में अभी जस्ट वैक्सीनेशन का ही ले लो, या इनिशियली आपने देखा होगा कि जब फर्स्ट वेव खत्म हो गई, फिर किसी को उम्मीद नहीं थी कि सेकेंड वेव जैसी कोई सिचुएशन है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा था, सबसे पहले किनको वैक्सीनेट किया गया, पहले फ्रंटलाइन वरियन, क्यों, क्योंकि उस समय उन्हीं की नीड थी, है ना, वो वैक्सीनेट होंगे तो आने वाले भविष्य में अगर कोविड की सिचुएशन जैसे सेकेंड वेव वगैरह आई तो कितने अच्छे से काम कर पाए वो लोग। फिर 60+, क्योंकि वो ज़्यादा वल्नरेबल थे, फिर 45+, फिर 18+। तो ये क्या है, सभी क्या सेम लोग हैं, कैटेगरी अलग अलग, एज अलग अलग है, सभी को इक्वली ट्रीटमेंट किया गया है क्या? अगर ये वाला लॉ, सिर्फ ये वाला लॉ होता तो क्या होता, आज से भारत में वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो रहा है और सभी लोग क्या करें, वैक्सीन लगाएं, ना कोई फ्रंटलाइन वर्कर के लिए अलग कानून होते, ना 60 साल, ना 45, ना 18, ना कुछ। लेकिन ऐसा हुआ क्या हमारे देश में, क्यों, क्योंकि अनलाइक पीपल शुड नॉट बी ट्रीटेड लाइक, ठीक है, अलग अलग लोगों को एक जैसा अगर ट्रीटमेंट दोगे तो वो चीज़ सही। आप डॉक्टर बन गए, 5 गोलियों के नाम आपने याद कर लिए और 2 इंजेक्शन, कोई भी आता सिर्फ आप उनको 5 गोली और 2 इंजेक्शन दे के पहुँचाते हो, कितने दिन आपकी दुकान चलेगी, ठीक है, क्योंकि पेशेंट जो आ रहे हैं आपके पास वो अलग अलग मर्ज के मरीज हैं, अलग अलग रोग हैं उनको, और आपको उनसे पूछ के समझ के फिर उनको क्या करना पड़ेगा, उपचार देना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो आप एक अच्छा पॉपुलर नाम होगा कि नहीं बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, पहली 2 डोज का है उसी में हमको आराम लग गया, आप भी जाओगे और दूसरे लोगों को भी सजेस्ट करोगे कि नहीं वो वाले डॉक्टर अच्छे, वरना क्या बोलोगे, सबको बस 2 ही 4 गोलियां देते हैं, ठीक है। तो ये वही बात है कि अगर लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो उनको व्यवस्था भी क्या मिलनी चाहिए, अलग अलग मिलनी चाहिए, और जो एक बैकग्राउंड से आ रहे हैं उनको एक जैसी व्यवस्था मिलनी चाहिए। तो हमारी जुडिशरी ने आर्टिकल 14 के अंतर्गत, हमारे संविधान ने दोनों को ले लिया कि इधर की ये बात भी अच्छी लग रही है और इधर की ये, तो अमेरिका से भी ले लिया और दोनों को एक जगह रख दिया, और ये जज के माथे पर या जज के ऊपर छोड़ दिया, ये जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, और इनके ऊपर छोड़ दिया कि केस की सुनवाई करो, अगर आपको लगता है
कि जिस भी व्यक्ति के खिलाफ वो एक्शन हो रही है उसको हमें इक्वलिटी बिफोर लॉ के अंतर्गत ही देना है, क्योंकि वो किसी ऐसे बैकग्राउंड से नज़र नहीं आ रहा कि बहुत गरीब बैकग्राउंड से हो, या मतलब कि इस तरह का कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। वो व्यक्ति जानबूझ के सोच समझ के उसने अपराध किया है, ठीक है, तो आप उसको कैसे ट्रीट करो, कैसे ट्रीट करो, विधि के समक्ष क्षमता, जो विधि बनाई है उसके हिसाब से उसको क्या करो, दंड दो। लेकिन अगर जज साहब को लगता है कि जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो रही है उसके द्वारा या उससे इसलिए अपराध हुआ है क्योंकि वो किसी ऐसे विशेष ट्रॉमा से गुजर रहा था, या वो किसी स्लम एरिया में रह रहा था और उसने बचपन से इस तरह के अपराध देखे हैं और पहली बार उसने चोरी करी है और कोर्ट के सामने पेश हुआ, तो जज ये ज़रूर देखेगा कि चूंकि वो व्यक्ति का बैकग्राउंड ऐसा है कि वो ऐसे पर्टिकुलर बस्तियों में रह रहा था जहाँ पे ज़्यादातर ऐसे ही लोग रहते हैं और उसने वही चीज़ सीखी और ज़िंदगी में पहली बार उसने क्या कर दी, चोरी कर दी। तो अब जज यहाँ सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि हमें क्या करना है, विधियों का समान संरक्षण देना है। हमें इस बंदे को एक मौका ज़रूर देना है, एक एडवाइस देके इसको हम छोड़ भी सकते हैं कि जो भी ये काम किया है ये क्या है, न्यायिक तौर से सही नहीं है और इसके लिए भविष्य में तुम्हें दंड मिल सकता है, या 3 साल की सजा थी तो 6 महीने की देकर ही उसे क्या कर सकते हैं। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये इस जज के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उस पर्टिकुलर व्यक्ति के केस में इक्वलिटी बिफोर लॉ लगाना चाहता है या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ लगाना चाहता है। हमारे देश में दोनों ही व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 14 में कर दी। क्लियर हो गया, इक्वलिटी बिफोर लॉ है ना, सभी लॉ की दृष्टि में एक समान है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी उम्र का हो, किसी भी वर्ग का हो, अगर वो अपराध किया है तो उसको सजा होगी। एक है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, अगर कोई व्यक्ति है असमान है, बैकग्राउंड उसका ऐसा है कि अपराध करने के लिए उसको उकसाया गया है, बचपन से उसने वो परिघटनाएँ देखी हैं, उसको अपने किए पे पछतावा है, शर्मिंदगी है, तो न्यायाधीश क्या कर सकते हैं, हाँ, सज़ा कम दे सकते हैं या उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा दे सकते हैं। तो ये दोनों ही बात किस पर छोड़ दी गई है, ये न्यायाधीश पर, क्योंकि वही देख पाएंगे। कोई केस 1.5 साल से चल रहा है, जज उसकी रेगुलर बेसिस पर हियरिंग कर रहे हैं और देख के ही पता चलता है कि कौन व्यक्ति है जिस जो रियल में अपने अपराध के लिए दुखी है, कौन है जिसको मतलब घूम रहा है कि एक कर दिया दूसरा और किसका मर्डर करूं, ठीक है, तो पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति, तो उस हिसाब से न्यायाधीश क्या कर सकते हैं, दंडात्मक कार्रवाई कर सकते हैं। तो दोनों ही तरह की व्यवस्थाएँ किस अनुच्छेद में कर दी गई हैं और ये हमारा मौलिक अधिकार है। अगर मान लीजिए कि कोई लॉ है, मर्डर की सज़ा 6 साल है, ठीक है, और इक्वलिटी बिफोर लॉ है, आपने किया है, अब आपको किसी जज ने, जज से आपने बहस कर ली उधर पे ही, 2-4 बातें जज को ही सुना दी, तो ऐसा नहीं है कि जज आपको 10 साल की सज़ा दे देगा कि ये व्यक्ति तो बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहा है, चल 4 साल की सज़ा मेरी तरफ से ले ले तू, ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी केस में हमें जो सज़ा उस लॉ में लिखी गई है उससे ज़्यादा पनिशमेंट नहीं, ये हमारा मौलिक अधिकार है। क्या है ये, हमारा मौलिक अधिकार है, और अगर ऐसा होता है तो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, ठीक है। इवन कोई लॉ था, ठीक है, जिसमें आज की तारीख है, मान लीजिए आज कितनी 21 है, ठीक है, तो 21 जुलाई 2021 है ना, को अब मर्डर की जो सज़ा है वो कितनी है, 6 ईयर, लेकिन आज एक संशोधन पेश हो गया और बोला कि 21 जुलाई के बाद से जो भी इस तरह के केसेस आएंगे उसके लिए 10 साल की सज़ा है, और आपने अनफॉर्चुनेटली 21 को ही किसी को ऊपर पहुंचा दिया, आपको इस पर्टिकुलर केस में सिर्फ 6 साल की सज़ा होगी, क्योंकि जिस दिन तक वो एक्ट अमेंड नहीं होता उस दिन तक पुराना वाला एक्ट ही क्या होता है, और नया वाला जो संशोधन या नई व्यवस्था है वो नेक्स्ट डेट से क्या होगी, इम्प्लीमेंट होगी। क्लियर है, तो उस दिन तक भी आपको पुरानी वाली सज़ा ही क्या होगी, मिलेगी, ठीक है। तो ये भी हमारा मौलिक अधिकार है।
क्लियर है। तो ये जितने भी ये आर्टिकल 14 स्पेसिफिकली जुडिशरी से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है कि अगर आपका पाला पड़ जाता है कभी न्यायालय से आपके परिवार में किसी का, तो आपको अपना मौलिक अधिकार पता होना चाहिए कि इक्वल इक्वालिटी बिफोर लॉ तो है ही, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी हमें है। और जो वकील लोग हैं वो ज़्यादातर इसी का यूज़ करते हैं कि जो अपराधी है वो भी अपने आप को बचाना ही चाहेगा, प्रूफ करना चाहेगा कि इनोसेंट है, तो ये बताते हैं कि किन सर्कमटेंसेस से उससे क्या हुआ है, वो अपराध हुआ है, ताकि जज की दृष्टि में वो थोड़ा अपने आप को इनोसेंट प्रूफ कर सकें और सजा से बच सकें, ठीक है। वरना यहाँ तो कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, पता है प्रूफ हो गया मर्डर है, 6 साल की सजा के लिए अंदर जाओ। इससे बचना है तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, फिर आपको पूरी बैकग्राउंड पूरी कहानी बतानी पड़ेगी, तब जाकर कहीं ये एप्लीकेबल होगा। तो डेली लाइफ में हमें इसका यूज़ नहीं है, ठीक है। हमें इसका यूज़ कहाँ है, जब आप सर्विसेज में आ जाओगे तब आपको इसका यूज़ है। और क्योंकि जो भी लॉ होगा, अगर आपको कोई लॉ एप्लीकेबल कराना है अपने एरिया में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सभी को समान रूप से वो उसके एडवांटेज मिले या उसकी पनिशमेंट मिले, ठीक है। या फिर ये एप्लीकेबल है जुडिशियर में, जुडिशरी प्रोसीडिंग्स में, है ना, न्यायालय की कार्यवाही में, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वगैरह में, ठीक है। आर्टिकल 14 समझ में आ गया या नहीं आया? ये पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि ये देखता है कि व्यक्ति किस परिस्थिति से आ रहा है, किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, कितना दुखी है, कितना परेशान है, किन सर्कमटेंसेस में उससे अपराध हुआ है, वो शर्मिंदगी है या नहीं उसे, वो सब चीज़ों को देख के फिर ये क्या करता है, जजमेंट देता है। इसलिए कैसी अप्रोच है, ये पॉजिटिव अप्रोच है। समझ में आ गई बात, ठीक है। और अगर ये तीन पॉइंट हमने देखे, पहला किन किन देशों से लिए गए हैं, दूसरा पॉजिटिव नेगेटिव है, तीसरा क्या क्या है, अगर इतना आपने लिख के आ गए पूरे नंबर आपके, है ना, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। क्योंकि ना तो इसके अलावा आपको कुछ है किताबों में कहीं पर भी, और ना ही इसके अलावा आपको कुछ एक वर्ड भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है, इतना मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है। सिर्फ इंडिविजुअली क्वेश्चन लिख के दे देगा, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता से आप क्या समझते हैं। सिर्फ क्वेश्चन दे देगा, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधियों के समान संरक्षण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। या पूछ लेगा आर्टिकल 14, या ये दोनों दे देगा, ठीक है। तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन और छोटे से छोटा क्वेश्चन प्रिलिमिनरी एग्जाम में बोल देगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का प्रावधान करता है, 4 ऑप्शन दे दिए, ठीक है। तो किसी भी एंगल से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपसे ये चीज़ बननी चाहिए और डेफिनेटली बनेगी भी। समझ में आ गया? आ गया समझ में? क्या नाम है आपका? हाँ, इंद्रजीत। आ गया समझ में? आपका नाम क्या है? क्लियर हो गया आर्टिकल 14। नाम क्या है आपका? आरती मिश्रा। क्लियर है? आपका नाम? स्वाति वर्मा, ठीक है। आर्टिकल 14 क्लियर हो गया, बाकी सबके नाम मुझे याद है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा आर्टिकल 14 है, और ये आपसे किसी भी सिचुएशन में कभी भी कोई नींद में ऐसा हिला दे कि 14 क्या है, तो तुरंत बता देना कि इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर क्या लॉ क्या है, सिर्फ यहीं पर सब कुछ लिखा है। इसको अगर आपने समझ लिया ना, अगर आप सोचोगे हम इसको रटेंगे बाद में, तो पॉलिटी रटने का सब्जेक्ट नहीं है। पॉलिटी जो सब्जेक्ट है वो वर्ड्स का सब्जेक्ट है, यहाँ पे शब्दों का खेल है। किस चीज़ का खेल है? सिर्फ वर्ड्स का। सुना होगा एक एक शब्द की हेरा फेरी से जो लॉयर्स हैं वो बड़े बड़े केस जीत और हार जाते हैं सिर्फ एक सिंगल वर्ड से, ठीक है। तो पॉलिटी सिर्फ वर्ड्स का खेल है, और अगर वर्ड्स में थोड़ी सी भी हेरा फेरी हो जाती है तो अर्थ के क्या निकल जाते हैं, अनर्थ हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए हमें बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ ये सब्जेक्ट पढ़ना है। जो पढ़ा है वो 100% आपको यही याद होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ घर पे आप उसका सिर्फ रिवीजन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, याद यही होना चाहिए। रटने का सब्जेक्ट किसी भी कंडीशन में पॉलिटी
आपने अगर रटने की कोशिश करी तो आप कभी भी पॉलिटी को समझ नहीं पाएंगे। इवन एग्ज़ाम में आप 10 में से 4-5-6 क्वेश्चन ही बस कर पाएंगे। ठीक है, पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 100% स्कोरिंग है। कितना परसेंट स्कोरिंग है? 100%। अगर 15 क्वेश्चन आए तो 15 में से 15 आपके सही जाएंगे, अगर आपने समझ के साथ ये सब्जेक्ट, और इतना बड़ा भी सब्जेक्ट नहीं है, छोटा सब्जेक्ट है ना। अगर एक पॉलिटी पढ़ोगे तो 3 पॉलिटी बराबर तो एक हिस्ट्री, मतलब 3 बार पॉलिटी पढ़ लोगे उतने में आप सिर्फ एक बार इतिहास पढ़ पाओगे। क्वेश्चन हिस्ट्री से भी 12 से 15 ही आएंगे, तो वहाँ पे 3 गुना मेहनत, और यहाँ पे सिर्फ एक बार मेहनत करोगे और आप 15 क्वेश्चन। बहुत बड़ी बात होती है प्रीलिम्स में मार के आना, वो भी 100% गारंटी के साथ सही। ठीक है, मेंस में हिस्ट्री में लिख लिख के हाथ दुखने लगेंगे आपके, तब भी आंसर कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ सिर्फ जरा सा लिख के आ जाओगे ना, 3 नंबर में दे दिया, आर्टिकल 14 3 मार्कर क्वेश्चन दिया, सिर्फ कितने वर्ड लिखने, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण लिख के छोड़ दो। ठीक है, वहीं 3 नंबर में उन्होंने पूछ लिया अकबर, तो क्या लिखोगे? ठीक है, लिखना पड़ेगा ना, 3-4 पॉइंट वाइट लिस्ट लिखना ही पड़ेगा वहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ एक आर्टिकल 14, एक लाइन में आंसर, क्योंकि इसके अलावा आपको 3 मार्कर में और लिखने की गुंजाइश। 5 नंबर में पूछेगा तो थोड़ा सा डिटेल्स है। ठीक है, और हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो हमें वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें देनी पड़ेंगी। ठीक है, तो नंबर मिलने की चांसेस, अगर इतना लिख दिया तो 3 में से 3 नंबर, आपका आधा नंबर भी नहीं कटेगा। अकबर में अगर आपने कोई ऐसा पॉइंट नहीं लिखा जो एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा था, 3 नंबर में भी, तो आपका एक नंबर काट देगा, है ना। अगर उसका प्रिय राजा अकबर ही होगा तो बहुत ही बुरी बात है ना। और पॉलिटी में कोई प्रिय आर्टिकल होगा नहीं, सबसे है ना, जो पूछा वही लिखना है अपन को, इसलिए स्कोरिंग है सब्जेक्ट। दूसरी चीज़ है कि ईजी सब्जेक्ट है, तीसरी चीज़ है कि छोटा सब्जेक्ट है। ठीक है, इसलिए हम इसको अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते, ना ही करना चाहिए। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं? इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 14। आगे के आर्टिकल समझते हैं, फिर लिखेंगे पूरे के पूरे 18 तक एक साथ, पहले समझ लेते हैं देन फिर हम इसको लिखेंगे। आर्टिकल 15 भी बड़ा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। क्या है आर्टिकल 15 देख लेते हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ, ठीक है, या नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द सर्टेन ग्राउंड्स। कुछ पॉइंट मेंशन है, उनके आधार पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, और वो ग्राउंड कौन कौन से? वो ग्राउंड है, ठीक है, धर्म, जाति, मूल वंश या मूल वंश, लिंग, ठीक है, जन्म स्थान, ठीक है। आर्टिकल 15 बोलता है नो डिस्क्रिमिनेशन। नो डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? कौन से डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है? ठीक है, हाँ, अगर आपने इंडियन हिस्ट्री में कुछ भी पढ़ा है या थोड़ी भी चीज़ें समझी हैं तो आपको पता होगा कि हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो डाइवर्सिटी से फिल है। एंशियंट टाइम से ही इंडियन सोसाइटी के 4 सेक्शन थे। ऋग्वेद में भारतीय समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ऋग्वेद में 10 मंडल है और 10वें मंडल में ये बात लिखी गई। इंडियन सोसाइटी कितने सेक्शन में डिवाइडेड थी? 4 सेक्शन, ठीक है। और वो 4 सेक्शन कौन से थे?
हाँ, वो फोर सेक्शन थे, चार वर्ण, हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ये चार वर्ण थे। ये चारों वर्ण ऋग्वेद में मेंशन है। किस वेद में है हमारा? ऋग्वेद। ठीक है, यस, इसको इस तरह से भी लिखते हैं। ठीक है, ये कहाँ मेंशन है? ऋग्वेद में। और ये थे कर्म, जन्म के आधार पर नहीं थे, ये कर्म के आधार पे। किस आधार पे थे? कि आप जैसा काम करोगे आप उस वर्ण में चले जाओगे। आप अगर शिक्षा दीक्षा का काम कर रहे हो, पूजा पाठ, तो आप ब्राह्मण कहलाओगे। आप समाज की रक्षा कर रहे हो, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान है आपको, तो आप क्षत्रिय कहलाओगे। आप जोड़ घटाना गुणा भाग समाज में व्यापार कर रहे हो, चीज़ों की डिमांड सप्लाई को पूरा कर रहे हो, तो आप व्यापारी या वैश्य कहलाओगे। और समाज में आप स्वच्छता बनाने का काम कर रहे हो, ठीक है, सोसाइटी को क्लीन कर रहे हो, और तो फिर आप किस कैटेगरी में आओगे? कोई भी कभी भी किसी भी कैटेगरी में शिफ्ट हो सकता था, लेकिन धीरे धीरे ये व्यवस्था बिगड़ गई। और ये किस आधार पर बन गई? जन्म के आधार पर। ब्राह्मण परिवार में कोई जन्मा बच्चा, अब क्या बन गया? सिर्फ ब्राह्मण ही बन के रह गया। ठीक है, क्षत्रिय में क्षत्रिय, वैश्य में सबसे ज़्यादा नुकसान किनको हुआ? इस कैटेगरी को, क्योंकि और इनका फिर क्या होने लगा धीरे धीरे? शोषण। ठीक है, मतलब भेदभाव क्या होने लगा? ओके, तो जाति के आधार पर जो भेदभाव है वो इंडियन सोसाइटी में प्राचीन काल में शुरू हो गया था। ठीक है, और अभी भी कई रीजन में आपको ये चीज़ डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा। तो ये भेदभाव है। दूसरी चीज़ है कि एंशियंट काल में इंडियन सोसाइटी में कोई सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। मेल फीमेल जैसी कोई भी चीज़, दोनों ही मिलजुल के काम करते थे, घर परिवार चलाते थे। धीरे धीरे क्या हुआ? बहुत सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी आने लगी। इवन आयरन की खोज जब हुई, लोहे की खोज हुई, और लोहे की खोज से कई सारे हथियार बनाए गए, कुल्हाड़ी और ये सब। इससे बड़े बड़े जंगलों को आसानी से काटा गया और एग्रीकल्चर लैंड का विस्तार होने लगा। अब व्यक्ति रहता किसी और जगह, उसकी ज़मीन काफ़ी दूर है, तो डिसाइड ये हुआ कि घर की महिलाएं घर में रह के बच्चों को संभालेंगी, खाना वगैरह बनाएंगी, और पुरुष बाहर जाके खेती और ये सब करेंगे। अब खेती करके वो रात को आ रहे हैं, तो महिलाओं के ऊपर रौब जमा रहे कि हम इतना काम कर रहे हैं घर में बैठे बैठे क्या। और इस तरह से क्या होने लगा? एक डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गया, या ये शुरू हो गया कि मेल जो है वो थोड़े बड़े हैं और महिलाएँ जो थोड़ी कम। और किसके आधार, किस पर भेदभाव शुरू हो गया? किस आधार पर? सेक्सुअल, लैंगिक भेदभाव, मेल और फीमेल। और धीरे धीरे इतनी बुरी स्थिति हो गई कि महिला, भारतीय समाज में महिलाएं शोषित वर्ग में आ गईं। किस वर्ग में आ गईं? अथर्ववेद में कन्या के जन्म को अभिशाप लिखा गया। मतलब इस तरह के ग्रंथ लिखे जाने लगे कि अगर लड़की का जन्म है तो वो क्या है, ये अथर्ववेद में एक लाइन मेंशन की गई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो था वो, जो इक्वल थी मेल और फीमेल की सिचुएशन, अब वो क्या होने लगी धीरे धीरे। और भारतीय समाज में इस ऐसी स्थिति आई कि 19वीं शताब्दी में हमारे देश में सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण हुआ, और राजा राममोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, ऐसे लोगों को आगे आना पड़ा, और तब जाकर कहीं इक्वालिटी की बातें शुरू हुई। सती सिस्टम जैसी कुप्रथाएँ, जौहर जैसी कुप्रथाएँ भारतीय समाज में थी, जो कि महिलाओं के टोटली विरुद्ध थी। तो वो चीज़ ना हो, इसलिए सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होगा। ठीक है, धर्म के आधार पे भी भेदभाव, क्योंकि इनिशियल लेवल पर एंशियंट टाइम पे इंडिया में एक ही धर्म था, सनातन, जो कि हिंदू। बाद में जैन धर्म अलग, हिंदू से अलग होके बना, बौद्ध भी हिंदू से अलग हुआ। ठीक है, फिर बाहर से मुस्लिम आ गए, पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया, जो कि अरब से आया था। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो सिखिज़म बना, फिर इसी ड्यूरिंग अंग्रेज़ आए तो क्रिश्चियन धर्म में भारत में आ गया, पोर्चुगीज ही लेकर आ गए थे उनसे भी पहले, तो काफ़ी सारे धर्म भारत में हो गए। और धार्मिक रूप से भी लोगों के साथ क्या होने लगा? डिस्क्रिमिनेशन होने लगा। ठीक है, फिर जन्म स्थान के आधार पर भी, ठीक है, कई लोग स्थानों को भी छोटा बड़ा मानते हैं, ना कि ये उस स्थान के हैं तो ये लोग निम्न जाति के हैं या उच्च जाति के हैं। ठीक है, तो इस लेवल पर जितने भी भेदभाव हो रहे थे, अब चूंकि हमारे देश का संविधान बन गया है, कमेंस हो गया है, संविधान का कमेंसमेंट कब हुआ है? 26 जनवरी 1950। तो क्या अब भी वो चीज़ें अलाउ करेंगे जो पहले भेदभाव हो रहा था, इंसानों को इंसान नहीं समझ रहे थे,
और मौलिक अधिकार क्या है, इस बात का रियलाइजेशन कि हम एक ह्यूमन बीइंग है और हमें भी डिग्निटी के साथ जीवन जीने का अधिकार है, भले ही हम किसी जाति, किसी धर्म, किसी भी स्थान से बिलोंग करते हैं, बट हमें भी वो सारे राइट हैं जो कि बाकी लोगों को है। तो जिस दिन हमारा संविधान का कमेंसमेंट हुआ, संविधान लागू हुआ, वो डेट थी 26 जनवरी 1950। संविधान बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को क्या ऑब्जर्व करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे। लेकिन संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्राचीन काल से हमारे देश में चली आ रही थी, जातिगत भेदभाव थे, फिर धार्मिक भेदभाव थे, फिर लैंगिक भेदभाव थे, स्पेसिफिकली मेल फीमेल, और थर्ड जेंडर के साथ तो और भी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है इंडियन सोसाइटी में, ठीक है। फिर जन्म स्थान को लेकर, ठीक है। तो ये सारे जितने भी भेदभाव थे, इन सब भेदभाव को हटा दिया किस अनुच्छेद ने, अनुच्छेद नंबर 15, आर्टिकल नंबर 15, ठीक है। और इसमें लिख दिया कि इस तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा, और ऐसा अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ करता है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट उसके अगेंस्ट एक्शन करेगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है कि हमें इन सब चीज़ों के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाए। स्पेसिफिकली आर्टिकल 15 में सोसाइटी बहुत डिस्क्रिमिनेट करती है, जैसे अनुच्छेद 14 में हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है कि वो देखेंगे कि क्या किसको डिसीजन देना है क्या नहीं, लेकिन 15 के अंतर्गत कौन डिस्क्रिमिनेट करता है बड़े लेवल पर, सोसाइटी के लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 15 है कि भेदभाव से मुक्ति या जाति धर्म लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्या नहीं होगा, लेकिन ये जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इसमें लिखा है सर्टेन ग्राउंड, एक वर्ड यूज हुआ है कुछ ग्राउंड पे, तो वो ये ग्राउंड है, क्या है, ठीक है, जाति धर्म लिंग और स्पेसिफिकली बर्थ प्लेस के आधार पे कोई किसी के साथ किसी भी तरह का क्या नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, ठीक है, क्या नहीं करेगा। लेकिन इसमें भी कई काफ़ी सारे वेरियस अमेंडमेंट हुए, ठीक है, हाँ, और वो जो वेरियस अमेंडमेंट हुए हैं वो इसलिए हुए हैं क्योंकि बोला है सर्टेन ग्राउंड, है ना, कुछ स्पेशल व्यवस्था है। जैसे हमें पता है कि अब मेल यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन मध्य प्रदेश PSC में या पंचायती राज इलेक्शन में महिलाओं को 50% की रिजर्वेशन है, तो ये किसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो गया, मेल के साथ सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन है ना, क्योंकि वो मेल है उसके लिए उनको ये नहीं मिल रहा है, अगर फीमेल होते तो मिल जाता, तो हाँ, डिफेंस में मेल को प्रायोरिटी है। तो सर्टेन ग्राउंड का मतलब यही है कि अगर कोई कैटेगरी है जो पिछड़ी हुई है, जिनका बहुत पुराने समय से शोषण हो रहा है, उनको कुछ स्पेशल एडवांटेज मिलेंगे, उसके लिए वेरियस एक्ट बनेंगे, वेरियस लॉ बनेंगे, और उनके अंतर्गत उस कैटेगरी को क्या मिलेगा, स्पेशल एडवांटेज, जैसे कि रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है, अभी तो इकोनॉमिकल रिजर्वेशन भी मिलना शुरू हो गया, 10% का आर्थिक आधार पर आरक्षण पहला राज्य गुजरात है जिसने दिया है, मध्य प्रदेश में भी लागू है, EWS इकोनॉमिकल बैकवर्ड सेक्शन, अगर उसका सर्टिफिकेट आपके पास है तो फॉर्म भरते समय आप लगाते हैं और सीट्स में आपको रिजर्वेशन मिलता है। तो कहीं ना कहीं क्या वर्ड यूज हुआ है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में विशेष लोगों को विशेष अधिकार दिए जाएंगे, ठीक है। अनुच्छेद 15 में बहुत सारी चीज़ें मेंशन है, ठीक है जी, कोई कुछ, ठीक है। और इसी के अंतर्गत इनिशियल लेवल पर आर्टिकल 15 में ये लिखा था कि जैसे कि टेंपल, आपने देखा होगा कई सारे
ऐसी जाति के लोग हैं जिन्हें मंदिरों में प्रवेश वर्जित है। कई सारे टेम्पल्स हैं जहाँ पे उनकी एंट्री स्पेसिफिकली रूरल एरियाज में, ठीक है, एससी कैटेगरी के लोगों को टेम्पल में एंट्री नहीं देते हैं। अगर कोई सार्वजनिक स्थल है जहाँ पे पानी भरा जाता है, पहले अभी तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत सरकार हर घर में नल लगाने की बात कर रही है, 2023 तक लगभग लगभग पूरे ऑल ओवर द इंडिया में टैप वाटर जो है कनेक्शन वो हर घर में पहुंचा देंगे। शहरों में तो है ही, कहाँ पर, ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, स्वच्छ जल। तो जो पहले, लेकिन ऐसा नहीं था, पहले सार्वजनिक कुएं थे और पूरे गांव के लोग वहां पे पानी भरते थे या नल थे। तो यहां पे कुछ कास्ट के लोगों को अलाउ नहीं था कि आप यहां से पानी नहीं ले सकते, है ना। तो जो पब्लिक प्लेसेस थे उनको यूज़ करने के लिए उनको स्पेसिफिकली जाति के लोगों को क्या किया जाता था, रोका जाता था। तो आर्टिकल 15 में वो चीज़ें भी मेंशन थी कि इस लेवल पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई होटल है उसमें काम करने या खाना खाने वगैरह के लिए भी रोक दिया जाता था, ठीक है। गांधी जी को भी ट्रेन से नीचे उतार दिया गया था क्योंकि वो ब्लैक थे और रिजर्व कोच में वो क्या हो गए थे, यात्रा कर रहे थे, तो नीचे फेंक दिया था उनको। तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन इंडियन सोसाइटी में कास्ट के बेसिस पर होता था। तो वो सारी चीज़ें अब क्या नहीं होंगी। और इसके लिए एक एक्ट भी लेकर आई थी भारत सरकार, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। पहले MPPSC प्रीलिम्स के सिलेबस में ये था, अब हट गया। इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें अगर कोई व्यक्ति करेगा, किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि उपेक्षित करेगा या उन्हें पब्लिक प्लेस पर इंटर नहीं करने देगा, मंदिर में प्रवेश नहीं करने देगा, तो उन व्यक्ति के अगेंस्ट क्या होगी, कार्रवाई होगी और उनको मिनिमम 6 मंथ से लेकर 10 साल तक की सज़ा और हैवी फाइंस भी पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल 15 है ये इन पर्टिकुलर 4 पॉइंट पर किसी के साथ भी भेदभाव का खंडन करता है। अगर कोई ऐसा भेदभाव आपके साथ हो रहा है, मान लीजिए कि आप कहीं काम करते हैं आप, ठीक है, और आपको फीमेल हैं आप और आपको मेल की काम आप बराबर कर रहे हैं लेकिन पुरुषों की सैलरी अलग है और महिलाओं की सैलरी अलग है, तो क्या हो रहा है आपका, सीधे कहाँ पहुँच जाओ, सुप्रीम कोर्ट, है ना, कंपनी ही बंद करा देगी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, फिर किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि सिर्फ इसलिए कम वेतन है क्योंकि फीमेल है, और पहले था भी, ठीक है, कि मेल के लिए वेज अलग थे, फीमेल के लिए वेज, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है इक्वल वेज फॉर मेल एंड फीमेल, ठीक है। सेक्सुअल बेसिस पर आप ये नहीं कर सकते कि किसी की सैलरी कम है और किसी की ज़्यादा, ये नहीं कर सकते। जन्म स्थान के आधार पर कोई व्यक्ति है पाकिस्तान का था, पाकिस्तान छोड़ के भारत आ गया, क्यों आ गया, 1947 में देश आज़ाद हुआ, 47 में ही भारत का विभाजन हो गया, डिसाइडेड हुआ कि जो लोग भारत में आके रहना चाहते रह लें, कई सारे लोग यहाँ से कहाँ गए। अब आपको पता है कि ये तो पाकिस्तानी लोग हैं, उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं आप, पाकिस्तानी पाकिस्तानी बोल के चिढ़ा रहे हैं, घर में खाने पे नहीं बुला रहे हैं, और तो भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ, किस आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, वो तब वहाँ थे लेकिन अब तो यहाँ रह रहे हैं, अब तो उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए क्या, ऑफकोर्स नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में डाली गई ताकि इंसान के साथ किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है। हाँ, जैसे कुछ केसेस में ऐसा होता है कि फीमेल क्रिमिनल्स का नाम चेंज कर दिया जाता है, मेल क्रिमिनल्स का नाम चेंज नहीं किया जाता। अच्छा, ऐसा है, पूछ रहा हूँ मैं। हाँ नहीं, जनरली होता क्या है कि इंसान की डिग्निटी को रखने के लिए जो नॉर्मल ऑफेंस होते हैं, साधारण अपराध होते हैं, उसमें आइडेंटिटी दोनों की क्या रखी जाती है, गुप्त रखी जाती है। लेकिन कुछ बहुत हाई प्रोफाइल केस हो जाते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, फिर नाम उजागर हो ही जाते हैं दोनों पक्षों के। तो ऐसा नहीं है फीमेल मेल के लिए। इवन आपने देखा होगा कि अभी कोविड पीरियड में कितने सारे लोग थे जो ड्रग्स वगैरह की, दवाइयों की स्मगलिंग वगैरह कर रहे थे, हैवी महंगे महंगे दामों में बेच रहे थे, पकड़ लिया, लेकिन उन सबको वो कर देते हैं, मूड अप देते हैं उनका, है ना, ब्लैक वगैरह कपड़े से, ताकि उनकी आइडेंटिटी रिवील ना हो। क्यों? क्योंकि वो तो अपराधी हैं, उनका गुनाह है, लेकिन उनकी फैमिली का तो इसमें कोई क्राइम,
अब चेहरा पहचान के परिवार को पहचानेंगे और लोग इनके साथ भी भेदभाव करेंगे, अपराधी के पूरे खानदान के साथ भेदभाव करते हैं, कह रहे ये तो क्रिमिनल की फैमिली है। तो इसीलिए और महिलाओं की आइडेंटिटी, अगर उनके साथ कोई क्राइम हुआ है तो उनकी पूरी फैमिली जुड़ी है ना, और इंडियन सोसाइटी में यह है कि पूरे परिवार को ही फिर वो लोग लपेटे में ले लेते हैं, इसलिए हिडन रखा जाता है। लेकिन अभी सोशल नेटवर्किंग के ज़माने में ये चीज़ काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गई है, ठीक है। तो इवन बहुत सारे, अभी आप पढ़ोगे आर्टिकल 22 पढ़ोगे 23 पढ़ोगे, तो पब्लिक प्लेस पे आपको हथकड़ी वगैरह लगाने के अधिकार से भी आपको संरक्षण है, ठीक है। अगर आप सामान्य, आपने कोई अपराध किया है, और हर अपराधी को गिरफ्तार करने के बाद उसका मेडिकल टेस्ट ज़रूर होता है। क्या होता है, अगर पुलिस हिरासत में किसी की जान चली गई तो फिर काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। बीपी ये सब चेक करते हैं कि वो नॉर्मल है कि कोई बीमारी बीमारी तो नहीं है उसको, और कोविड में तो स्पेसिफिकली उसका कोविड टेस्ट होता है, तो अस्पताल लेकर जाती है पुलिस। तो ऐसा नहीं कि हथकड़ी लगा कर ले जाएंगे, इतने सारे लोग देखेंगे, उनको क्या किया जाता है, सामान्य व्यक्ति की तरह ले जाया जाता है। लेकिन कोई बड़े अपराधी हैं, 10-10 लोगों को मर्डर करके घूम रहे, फिर उनको क्या करना पड़ता है, पब्लिक प्लेस में उनको चेन करनी पड़ता, हथकड़ी लगानी पड़ती। तो केस केस पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए ओके, तो आर्टिकल 15 में क्या है कि भेदभावों के विरुद्ध आपको क्या मिली है, प्रोटेक्शन मिली है। डिफरेंट डिफरेंट तरीका जो भी डिस्क्रिमिनेशन था इंडियन सोसाइटी में एंशिएंट टाइम से, अब वो आप दोबारा नहीं चले। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द पब्लिक सर्विसेज क्या है, आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द पब्लिक सर्विसेज, लोक सेवाओं में अवसर की समता। पब्लिक सर्विसेज में कोई भी सरकारी सेवाएं, कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज इंक्लूडिंग सिविल सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज हो सकती हैं, स्टेट सर्विस हो सकती हैं, रेवेन्यू सर्विस हो सकती हैं, रेलवे सर्विस हो सकती हैं, जितनी भी तमाम तरीके की सर्विसेज, ठीक है, यहाँ सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी है। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, है ना, यूपीएससी की कर रहे हैं, स्टेट पीएससी की कर रहे हैं, साथ साथ अगर कोई आपको लगता है कि मिला जुला कोई सिलेबस वाली वैकेंसी आई तो अपन उसको भी फिल कर रहे हैं, तो ये सब किसके ज़रिए आपको मिली ये सारे राइट्स, ये फंडामेंटल राइट है आपका। ऐसा नहीं बोलेंगे कि अगर आप इस एग्ज़ाम का परीक्षा फॉर्म भर रहे हो तो ये वाला एग्ज़ाम आप नहीं दोगे, ऐसा कुछ है क्या, ठीक है ना। आप जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं, लेकिन आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप आने चाहिए, किस में आने चाहिए कि वो जो पात्रता है वो आपकी है या नहीं। जैसे किसी परीक्षा के लिए कंप्यूटर का कोई डिग्री मस्ट है, ठीक है, तो जिनके पास वो डिग्री है वो सब उस परीक्षा के लिए योग्य है। आपके पास नहीं है तो पहले आप वो डिग्री ले लो तो आप योग्य हो जाओगे, ठीक है। लेकिन अपॉर्चुनिटी तो आपको है कि नहीं है, तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है। ऐसा नहीं है कि आप इस बैकग्राउंड से आए हो तो ये परीक्षा नहीं दे सकते, ठीक है। तो
जितनी भी पब्लिक सर्विसेज निकलती हैं उनमें सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी है, बशर्ते कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या आता है, एक एज आती है, एज ग्रुप आता है, आपने देखा होगा स्पेसिफिकली सिविल सर्विसेज के लिए कम से कम 21 ईयर एज मानी जाती है, कुछ मिलिट्री सर्विसेज हैं एनडीए वगैरह के उनके लिए 18 मानी जाती है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके की क्या है परीक्षाएँ, उसके लिए एज क्राइटेरिया अलग अलग है। फिर है एडुकेशन क्वालिफिकेशन, किसी में ग्रेजुएशन मानी जाती है, ठीक है, कोई 12th प्लस होता है, कोई एग्ज़ाम 10th प्लस होता है, ठीक है, तो ये एक एलिजिबिलिटी है। किसी में कुछ सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं, कुछ स्पेशल डिग्री मांगी जाती है, जैसे कंप्यूटर है, या कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हाइट इतनी होनी चाहिए और ये सारी चीज़ें, विज़न क्लियर होना चाहिए, ठीक है, रेस कराते हैं कुछ, तो वो सारी चीज़ें अगर आप फिल करते हैं जो उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में रिक्वायर्ड है, तो आप सभी उसके लिए क्या है एलिजिबल। क्लियर है? मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को ये क्राइटेरिया दे दिया, कुछ को कुछ और दे दिया, कुछ को कुछ और दे दिया। क्राइटेरिया होंगे तो यूनिफॉर्म होंगे और सब पर अप्लाई होंगे, और नहीं। कौन सी पोस्ट? ऑनरी पोस्ट मतलब जो एक्स, हाँ, जैसे महेंद्र सिंह धोनी को, हाँ, ऐसे बहुत सारे लोगों को मिलती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी आपने देखा होगा कि ये जो है, हाँ, हिमा दास को मिली है, इसके अलावा उनको डीएसपी की मिली थी, हरभजन सिंह क्रिकेटर हैं। तो एक ये जितनी भी पोस्ट निकलती है ना, इसमें स्पोर्ट्स कोटा होता है। क्या होता है? और जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर आप लोग स्कूल में कभी कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करा होगा आपने, तो या तो आप स्पोर्ट्स में अच्छा कर पाते हैं या तो आप पढ़ाई में अच्छा कर पाते हैं, ठीक है। एक साथ आप कोई टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, ठीक है, और आप ही की क्लास में बाकी बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपका उधर फ़ायदा हो रहा है, उनका इस क्लास में फ़ायदा हो रहा है। अगर वो खेलेंगे नहीं तो फिर कोई स्पोर्ट्स का करियर ही नहीं होगा इंडिया में। सारे लोग खेल भी नहीं सकते, सारे लोग पढ़ भी नहीं सकते। जो खेल रहा है वो पूरे टाइम पढ़ नहीं सकता, क्योंकि फिजिकल टायर्डनेस और ये सारी चीज़ें भी होती हैं। इज दैट क्लियर? आप लोगों के साथ, सबके साथ ये चीज़ हुई होगी कि आप उस स्पोर्ट्स में तो अच्छे थे लेकिन पढ़ाई की वजह से आपने वो स्पोर्ट्स छोड़ दिया, हुआ होगा ऐसा? क्योंकि हम फैमिली बोलती है पढ़ो, है ना, पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, खेल वेल में क्या है। तो ऐसे लोग है ना, अब इन लोगों को क्या कुछ गवर्नमेंट सर्विस कैसे मिलेगी, जब कुछ पढ़े ही नहीं तो कहाँ से बड़े बड़े एग्ज़ाम्स क्रैक करेंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास कोटा रहता है, वो चाहे तो अपने स्टेट के रिनाउंड प्लेयर को, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर उस राज्य का नाम रोशन किया है, ठीक है, तो उनको कोई ऑफिशियल पोस्ट दे सकते हैं। ये उस राज्य का क्या होता है, और वो पोस्ट बाकी वैकेंसी से अलग होती हैं। जो वैकेंसी निकली है ना, जिन पर लोग परीक्षा फॉर्म फिल करके एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनसे वो पोस्ट क्या होती हैं, तो स्पोर्ट्स कोटा होता है। इवन आप स्पोर्ट्स कोटा छोड़ दीजिए, आप जब वैकेंसी निकलती है उसमें एक्स सर्विसमैन के लिए सीट्स रिजर्व होती हैं, ठीक है। आप अगर सारे लोगों का कट ऑफ देखेंगे, और एक्स सर्विसमैन वो लोग जिन्होंने पहले मिलिट्री में अपनी सर्विसेज दी हैं, ठीक है, और अब उनको रिटायरमेंट हो गया, क्योंकि मिलिट्री में आप रिटायर्ड हो जाते हैं 30-32 में, या 28 में भी रिटायरमेंट ले सकते हैं, अर्ली एज में रिटायरमेंट ले सकते हैं। अब उनके पास बाकी काफ़ी लाइफ है, MBBS या UPSC का एग्ज़ाम देने के लिए मैक्सिमम एज कितनी है, 32 साल है, MBBS के लिए 35 और एक सर्विसमैन के लिए 40 साल है, तो अब वो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, परीक्षा देंगे तो उनको एडवांटेज मिलता है, क्योंकि उन्होंने देश की सेवा में अपनी जो है एक बहुत अहम योगदान दिया, तो उनको उनका कट ऑफ भी कम जाता है और उनको सिलेक्शन उनका ईजी होता है। तो ये क्या होती हैं, ये स्पेशल प्रोविजन्स हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स कोटे के लोग हों चाहे वो एक्स सर्विसमैन। क्लियर है अमन? ठीक है, चलिए। तो ये अवसर उनको भी, परीक्षा उनको भी देनी पड़ेगी, जैसे एक सर्विसमैन है उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, कट ऑफ उनका कम जाएगा, स्पोर्ट्स कोटे को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, वो सीधे क्या हो जाएंगे, अपॉइंट हो जाएंगे। बट चूँकि वो एक जनरली नॉमिनल होते हैं, नाम मात्र के होते हैं, ना तो वो काम करने जाते हैं ज़्यादा, क्योंकि उनको तो अपना करियर कहाँ बनाना है, एक ऑनर होता है ना, सम्मान दे देते हैं, वैसे ही है ये,
ठीक है, चलिए। तो लोक सेवाओं में अवसर की समता कौन सा आर्टिकल है? 16 है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन दी पब्लिक सर्विसेज, ठीक है। और उस क्राइटेरिया को आप फुल करेंगे तो डेफिनेटली आप इन सर्विसेज में, हाँ, बशर्ते कि जैसे कि काफ़ी कुछ कैटेगरीज हैं जिनको एडवांटेज अगर देना है तो वो उस वैकेंसी में मेंशन करना पड़ेगा कि इतनी पोस्ट हैं जनरल के लिए, इतनी है, और अदर कैटेगरी के लिए जो पोस्ट है उनके बारे में उन्हें क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 16 क्या है? लोक सेवाओं में अवसर की समता। लोक सेवाएँ क्या है? जितनी भी सर्विसेज है गवर्नमेंट, क्योंकि सरकार में आप काम करते हो तो आप फाइनली किसकी सेवा करते हो? सरकार की नहीं, जनता की, है ना। सरकार का एकमात्र मोटिव है जनता की सेवा करना। आप सरकार में गए, आप भी सरकारी हो गए, किसकी सेवा करोगे? रेलवे में काम कर रहे हो तो भी जनता की सेवा कर रहे हो, टिकट काउंटर पे बैठ रहे हो, चाहे ट्रेन चला रहे हो, किसको बिठा के ले जाओगे? लोको पायलट बन गए तो किसको ले जाओगे, हाँ, कि ऐसे खाली ट्रेन चला रहे हो पूरे एरिया में, ठीक है। तो किसी भी फील्ड में जाओ, ऐसा नहीं कि सिर्फ PSC और UPSC से ही आप लोगों की सेवा कर सकते, ठीक है। हर सरकारी सेवा फाइनली किसके लिए बनी है? रिक्रूटमेंट होती है ताकि आप पब्लिक को सर्व कर सकें। तो वहाँ जाने की जो प्रक्रिया होगी उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। ये बात अलग है कि हम जिस राज्य में बैठे हैं वहाँ व्यापम जैसे महान घोटाले हो चुके हैं, ठीक है। सुना होगा आपने व्यापम घोटाले का नाम, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा एडुकेशन स्कीम माना जाता है, ठीक है। पूरी दुनिया में मध्य प्रदेश और भोपाल का नाम, एक तो भोपाल का नाम था भोपाल गैस ट्रेजेडी से, सब जानते थे, और एक नाम हो गया है व्यापम का नाम ही बदलना पड़ा, PEB कर दिया उन्होंने, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। और नाम बदलने के बाद भी व्यक्तित्व तो नहीं बदलता, अभी भी वो उसी पुरानी ही मेथड पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है। फॉर्म किसी और ने भरा, परीक्षा देने और कोई चला गया, सेलेक्ट कोई और हो गया, ठीक है। इस तरह के स्कीम हुए हैं। तो अब यहाँ पे तो क्वेश्चन उठता है कि कहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी है पब्लिक सर्विसेज में, इक्वल अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है, ठीक है। लेकिन ये स्कीम है और ये गलत है, और इसके लिए केस भी चल रहे हैं और कई सारे लोगों को पनिशमेंट भी हो रही है, ठीक है, वो चीज़ अलग है। चलिए, आर्टिकल 16 के बाद आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 17। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। किस चीज का अंत? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता को हम सीधी भाषा में छुआछूत का अंत बोल सकते हैं। किस चीज़ का अंत बोल सकते हैं? स्पेसिफिकली इंडियन सोसाइटी में कास्ट को लेकर ये काफ़ी था, है ना। जाति को लेकर छुआछूत बहुत थी कि इस जाति के लोग हैं तो अनटचेबल हैं, दूर रहिए, इनके साथ बैठना नहीं, इनके साथ खाना नहीं खाना, इनके साथ ये नहीं करना है, ठीक है। ये बहुत था इंडियन सोसाइटी में, क्यों वो हम पढ़ चुके हैं प्राचीन काल से, जो वर्ण आधारित व्यवस्था थी अब वो जन्म आधारित हो गई, और व्यक्ति को काम से उसको अनटचेबल माने जाने लगा। और कोई व्यक्ति है वो मरे हुए जानवरों को उठा रहा है, उसकी खाल वगैरह निकाल रहा है, उससे लेदर बना रहा है, उस लेदर से आप ही लोगों के लिए जैकेट्स बन रही हैं, शूज़ बन रहे हैं, बैग्स बन रहे हैं, तो वो तो बड़े मज़े से फैशन में हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति वो काम कर रहा है उसको हम क्या मानते हैं? अनटचेबल मानते हैं। क्या मानते हैं? अछूत, ठीक है। तो बहुत सारी कैटेगरी थी जो जिन्होंने ये सारे काम छोड़ भी दिए, लेकिन अभी भी चूंकि वो उस जाति से हैं इसलिए उन्हें क्या माना जाता है? अछूत। तो ये बहुत ही बैड कंडक्ट है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको टोटली रिमूव किया है और आर्टिकल 14 को बोला है अबॉलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी। किसी भी तरह की छुआछूत को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर कहीं पर किसी गाँव में, किसी शहर में किसी ग्रुप को लोग अनटचेबल मानते हैं, छुआछूत करते हैं,
तो वो सुप्रीम कोर्ट पे अपने फंडामेंटल राइट के लिए आवाज़ उठा सकते हैं और उस पूरे के पूरे गांव को, उस ग्रुप को क्या मिलेगा, फाइन मिलेगा और उनको पनिशमेंट भी मिलेगी। ठीक है, क्लियर है? तो अनटचेबिलिटी जो है वो क्राइम है और अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन, ये हम सबका फंडामेंटल राइट। किसका फंडामेंटल राइट है? हम सबका। ठीक है, क्या इस अनटचेबिलिटी में अभी जो कोविड की सिचुएशन में स्पेसिफिकली जो डेड बॉडीज़ हैं, ठीक है, जबकि कई सारी रिसर्च ने बोला है कि अगर कोई व्यक्ति डेड है तो उससे कोविड नहीं फैलेगा, लेकिन कई लोगों ने फैमिली की, अगर कोई पर्सन है जिसकी डेथ हो गई कोविड से, तो ऐसे ही छोड़ दिया, डेड बॉडी छोड़ के हॉस्पिटल से भाग गए, इवन उनका फ्यूनरल तक नहीं कराओ, रिस्पेक्टिव फ्यूनरल भी उनको नसीब नहीं हुआ, तो क्या ये सी चीज़ भी आर्टिकल 17 में आएगी? या कोई व्यक्ति है, जैसे किसी व्यक्ति को कोई डिसीज़ हो जाती है, चार में लोग स्किन डिसीज़ वगैरह हो जाती है, तो पहले इंडियन सोसाइटी में ये था कि अगर घर में किसी को कोड, एक बहुत ही सामान्य सी भाषा में हम बोलते हैं जिसको इंग्लिश में लेप्रोसी बोलते हैं, तो जिन लोगों को हो जाती थी उन लोगों को बोलते थे बहुत पापी है, पुराने जन्म में इसने इतने पाप किए कि इसको मतलब सबसे शर्मनाक बीमारी मानी जाती थी लेप्रोसी, और उन घर के पेरेंट जो जिसको भी हुई है उसको घर से निकाल देते थे कि ये पापी है, इसका पाप हमें भी लगेगा। ठीक है, और इस ये सारी जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, लेप्रोसी भी ऐसा नहीं कि टच करने से फैलेगी, इवन जो पेशेंट है लेप्रोसी के, अगर उनको प्रॉपर केयर दी जाए, अटेंशन दिया जाए, अच्छी डाइट दी जाए, तो वो बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं। पूरी सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। मदर टेरेसा का नाम सुना होगा, ऐसे ही लोगों को ट्रीट करा उन्होंने और पूरी दुनिया में कितनी पॉपुलर हो गई, पीस का नोबल प्राइज़ भी उनको मिला। ठीक है, अल्बानिया की थी लेकिन इंडिया आई और इंडिया में जब उन्होंने देखा कि लोगों को इतने बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है, इतनी सामान्य सी बीमार व्यक्ति को, उस समय उसको सबसे ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है, तो उन्होंने वो काम किया, चैरिटीज़ बनाई, ग्रुप्स बनाए और ऐसे सारे लोगों को वो अपने आश्रम में रख के उनको ठीक करा, उनको तो कभी नहीं हुआ। तो ये क्या है, भ्रम फैला है लोगों में, र्यूमर है कि ऐसा है तो इससे दूर रहो, ये सब इसी में आते हैं। किसी भी तरह की अनटचेबिलिटी, चाहे वो जात के आधार पे हो, चाहे किसी को किसी डिसीज़ के, इन सब के आधार पर अनटचेबिलिटी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ठीक है, इवन HIV पेशेंट के साथ भी लोग अनटचेबिलिटी करते हैं। ठीक है, जबकि जग जाहिर है कि किसी को छूने से HIV फैलता, एड्स रोग नहीं फैलता, लेकिन कई ऐसी केस स्टडी पूछी गई है UPSC में ही और स्टेट PSC में भी, कि आप कहीं किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है कोई व्यक्ति और उसको डिटेक्ट हुआ है कि वो HIV वायरस से संक्रमित है, तो उसको काम से निकाल दिया या कुछ और कर दिया या उसके साथ लोग बैठ नहीं रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये अच्छे कंडक्ट नहीं है। हाँ, कोविड जैसी सिचुएशन है, अगर कोई कोविड पेशेंट है तो हमको पता है कि इसके 6 मीटर के पास अगर आप जाओगे तो आप भी इन्फेक्ट, तो उससे दूर रहना है। कब तक? 14 डेज, अभी थोड़ी गाइडलाइन बढ़ा दी 17 दिनों तक, उसके बाद वो व्यक्ति अगर ठीक है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अगर थोड़ी ज़िंदगी भरी उससे छुआछूत करते रहोगे, दूर रहो। ठीक है, तो ये जो एक बिहेवियर बन जाता है सोसाइटी का अनटचेबिलिटी वाला, उससे वो व्यक्ति ऑलरेडी वो किसी बीमारी और किसी दुख में दुखी है और आप उसके साथ इस तरह का बिहेव करोगे तो वो क्या हो जाएगा, और भी ज़्यादा, और वो मेंटली रिकवरी के लिए मेंटल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, और वो क्या है, और ज़्यादा कि घर वालों ने छोड़ दिया तो वो और बीमार पड़ जाता है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, अनटचेबिलिटी बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। हमारा फंडामेंटल राइट है कि हमारे साथ क्या ना की जाए, छुआछूत ना किया जाए। क्लियर हो गया है? ठीक है, आर्टिकल 14, चलिए सॉरी आर्टिकल 17। ठीक है, छुआछूत या अस्पृश्यता, संविधान में इसके लिए कौन सा वर्ड है, अस्पृश्यता, अस्पर्शता नहीं है, ज़्यादातर लोग क्या पढ़ते हैं अस्पृश्यता, ये गलत वर्ड है, क्या है, अस्पृश्यता, जिसको हम बहुत ही नॉमिनल वे में छुआछूत बोलते हैं और इंग्लिश में हम इसको अनटचेबिलिटी बोलते हैं। क्लियर हो गया इतना? आर्टिकल नंबर 18, एंड ऑफ द टाइटल्स, उपाधियों का अंत।
आर्टिकल 18 क्या है, एंड ऑफ द टाइटल्स। अब मज़े की बात यह है कि ये जो आर्टिकल है 16, 17, 15, ठीक है, ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए जो गरीब हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, उनको उस दलदल से बाहर निकालने के लिए। ये अमीरों के लिए, किन के लिए है? उपाधियाँ, कौन सी उपाधियाँ? वंशानुगत उपाधियाँ, बड़े बड़े वंश, महाराजाधिराज, राजाधिराज और परमाधिराज के वंशज हैं, चक्रवर्तियों के वंशज हैं हम, और इस दम से है ना कि हम इस वंश के, इस खानदान के महाराजा हैं। दूसरों को कीड़े मकोड़े समझना, इंसानों को डराना धमकाना, उनको परेशान करना, इस बात की अथॉरिटी होगी पहले किसी ज़माने में, अब संविधान है, हम सब इक्वल हैं, अब वो दम कोई दिखा नहीं सकता आपको। तो आर्टिकल 18 ने छीनी है चीज़ें किन से? जो वंशानुगत बहुत ही बड़े रईस खानदानों से बिलोंग करते थे, बड़े बड़े वंशों से बिलोंग करते थे, उन लोगों से वो सारे राइट्स क्या कर लिए? सस्पेंड कर दिए। और उन सबको भी बोला कि बेटा आप सब, तुम भी इसी लाइन में खड़े हो, राजा महाराजा धीराज होंगे बट अब वो बचे नहीं हो। क्लियर है? तो आर्टिकल 18 में बोला है कि जो डिसेंडेंट्स टाइटल हैं, जो हमें अपने वंशानुगत तरीके से मिले हैं, ठीक है, वो सब अब सस्पेंड हो जाते हैं, एक्सेप्ट एकेडमिक और मिलिट्री और ये जो डिफेंसिव। एकेडमिक का मतलब है आप पढ़ाई करते हो, आप बीएससी की डिग्री लेते हो, आप डॉक्टर बन जाते हो, आप एडवोकेट बनते हो, तो आपने कैसे बना? मेहनत से बना कि पिताजी एडवोकेट थे इसलिए आज से हम भी एडवोकेट होंगे, या पिताजी माताजी डॉक्टर थी इसलिए आज से हम भी डॉक्टर होंगे, ऐसा होता है क्या? लेकिन पिताजी महाराजाधिराज थे इसलिए उनके बाद महाराजाधिराज नेक्स्ट कौन है? तो उपाधियाँ तो हमें वंश से ट्रांसफ़र हो जाती हैं, लेकिन जो एकेडमिक्स हैं वो हमें खुद मेहनत से क्या करनी पड़ती हैं? डॉक्टरी की पढ़ाई करनी पड़ती है 7-8 साल, एकदम है ना, सबसे डिफ़िकल्ट माना जाता है ना कि बहुत मेहनत का काम है, ऐसा हवा में नहीं बन जाते। तो जो वो टाइटल्स तो आपको रखने का अधिकार है, आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाएं, शौक से लगाएं, क्यों? क्योंकि वो चीज़ आपने मेहनत से कमाई, वो आपको अपने वंश से मिली। तो जो वंशानुगत उपाधियाँ हैं वो सब सस्पेंडेड हैं, लेकिन जो अकेडमिक टाइटल्स हैं जो आप पढ़ के अर्जित करते हैं, ठीक है ना, बैचलर ऑफ साइंस बनते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स बनते हैं, जो भी आपने डिग्री ली है अब वो टाइटल वो आपका है। प्लस सेना में कर्नल को जनरल, मेजर, ये सारे टाइटल्स मिलते हैं, ये भी उनकी रैंक है और ये भी उन्होंने अपनी मेहनत से अर्न किया है, ठीक है। जैसे लता मंगेशकर आर्ट वगैरह में स्वर साम्राज्ञी, ऐसा थोड़ी है कि उनको खानदानी आवाज़ मिली है, कि पिताजी की थी तो उनकी भी आवाज़ सुरीली होगी, ठीक है, वो उन्होंने मेहनत से और नेचुरली उन्हें उनकी आवाज़ इतनी अच्छी है कि उनको क्या बोलते हैं लोग, स्वर साम्राज्ञी, एक टाइटल दे दिया है तो ऑफकोर्स, ठीक है। किसी को भारत रत्न की उपाधि मिलती है, मिलती है, ठीक है। तो ये सब क्या है? ऐसे किसी को भी चलते फिरते को मिल जाएगी क्या उस फील्ड में उन्होंने अच्छा काम? तो इन टाइटल्स को छोड़ के जो वंशानुगत उपाधियाँ हैं, जो खानदानी परंपरा से हमें मिली हैं, वो सब क्या हो गई? खत्म हो गई। और सिर्फ कौन से टाइटल्स आप होल्ड कर सकते हो? एकेडमिक और डिफेंस में अगर आप किसी पद पर हैं तो वो टाइटल्स आपको यूज़ करोगे, ठीक है। तो जो 15, 16, 17 आर्टिकल हैं वो क्या करते हैं? वो आपको चीज़ें प्रोवाइड करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिलेगा, मतलब वो सारे राइट। जबकि आर्टिकल 18 क्या है? छीन रहा है किन से उनके राइट? जो पुराने राजा रजवाड़े थे, पता है हमारे देश में 565 रियासतें थी, हर रियासत का एक राजा था, कोई अपने आप को नवाब बोलता था, कोई अपने आप को निज़ाम बोलता था, कोई अपने आप को राजा बोलता था, कोई महाराजा बोलता था, ठीक है। अभी भी राजस्थान वगैरह में कई घराने हैं, बड़े बड़े राज परिवार के घराने, लेकिन वो कॉमन लोगों की तरह ही है, ठीक है। तो 18 ने क्या कर दिया? क्योंकि सब ये फील नहीं आना चाहिए ना कि अब यहाँ अपन क्लास चल रही और इधर कुर्सी लगा कोई महाराजा अधिराज बैठे हुए हैं, है ना। तो अगर आर्टिकल 18 नहीं होता तो अपन तो ऐसे डर डर के काम करते कि महाराजा अधिराज कब नाराज हो जाए कुछ पता नहीं, ठीक है। लेकिन अब ऐसा है क्या? सब क्या है? इक्वली हैं। तो इसी वजह से जो है आर्टिकल 18 बड़ा इम्पॉर्टेंट है,
ठीक है, तो अभी आज की क्लास में हमने कितने आर्टिकल देखे? 14 से 18 तो देखे देखे, 12 और 13 देखे। 12 है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट जितनी भी बॉडीज हैं सब राज्य हैं। सुप्रीम कोर्ट राज्य है या नहीं है? अगर वो न्याय दे रहा है तो वो राज्य बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर राज्य होते हुए न्याय देगा तो सरकार के पक्ष में न्याय होगा, और जब वो नॉर्मल एडवाइस दे रहा है तब वो क्या है? स्टेट है। फिर हमने देखा आर्टिकल 13, ये बोलता है कि कोई भी ऐसा लॉ बन गया जो मौलिक अधिकारों को कम कर रहा है तो वो लॉ ख़त्म हो जाएगा। ये कौन सा आर्टिकल है? 13। आर्टिकल 14 है विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष क्षमता मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ की आइस में सब बराबर हैं चाहे वो कोई भी हो, लेकिन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में ये देखा जाता है कि व्यक्ति किस परिस्थिति से आया है उसे थोड़ा बड़ा फ़ायदा दिया जा सकता है। भारत में दोनों ही हैं। 15 बोलता है जाति धर्म मूल वंश के आधार पर किसी से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल 16 बोलता है कि जो पब्लिक सर्विसेज निकलती हैं उनमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है, इस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि कौन कहाँ से आ रहा है, कौन सा ग्राउंड है, किस स्कूल से पढ़ा है, किस कॉलेज से पढ़ा है। ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किसी भी कॉलेज से लेकर आ जाओ, प्राइवेट लेकर आ जाओ, सरकारी लेकर आ जाओ, बस क्या होना चाहिए? तो लोक नियोजन में आपको समान अवसर की समता है। आर्टिकल 17 बोल रहा है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, तो छुआछूत है वो अब नहीं रहेगी। और आर्टिकल 18 बोल रहा है कि जो वंशानुगत बड़ी बड़ी उपाधियाँ लेके लोग घूमते थे, उपाधियों के नाम पे डराते धमकाते टैक्स वसूलते थे, अब वो सब अलाउ नहीं होगा। लेकिन हाँ, कुछ मानद उपाधियाँ हैं जो आपको मेहनत करके मिलती हैं, डिग्रियाँ कॉलेज से लेते हो आप, डिफेंस में जब जाते हो तो बड़े बड़े पदों पर अपनी मेहनत से पहुँचते हो, देश के लिए कुछ करते हो तो भारत रत्न बन जाते हो, ये सारी उपाधियाँ अलाउ हैं, ये मानद उपाधियाँ। हाँ बिल्कुल, आप यूज़ नहीं कर सकते उसको, ये नहीं लिख सकते कि जैसे सचिन तेंदुलकर को मिल चुका है या मिल चुका है अभी अटल बिहारी वाजपेयी, खैर अब तो वो रहे नहीं, तो वो ये नहीं लिख सकते कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, वो ये यूज़ नहीं कर सकते, उनको मिली है ठीक है, लेकिन हर जगह वो ये दम नहीं दिखा सकते कि मैं भारत रत्न हूँ, ठीक है। ये निशंक लिखते हैं वो इन्वर्टेड कोमा में लिखा रहता है, वो निशंक का मतलब क्या है? वो एक पेन नेम होता है, क्या होता है? पेन नेम, जिसको हम उपनाम बोलते हैं, और ये एक पोएट है कि रमेश पोखरियाल क्या है? कवि हैं, तो वो निशंक नाम से कविताएं लिखते हैं, है ना। जितने भी जो शायर होते हैं, गीतकार होते हैं, वो अपना एक पेन नेम लिखते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि हाँ, गुलजार का नाम सुना होगा, गालिब सुना होगा, इनके रियल नेम कुछ और हैं, लेकिन ये इस नाम से क्या करते हैं? पोएट्री करते हैं। मुंतशिर सुना होगा, है ना, मनोज मुंतशिर, अभी एक बहुत ही उभरते हुए वो हैं लेखक, ठीक है। बाहुबली जैसी पिक्चरों का पूरा स्क्रिप्ट उन्होंने लिखा है, अगर आपने देखा तो, वो तो मिश्रा है, वो उन्होंने मुंतशिर लिखा, तो ये क्या होता है? पेन नंबर होता है वो। आप भी अपना, अगर आप लिखते हो तो आप भी अपना रख सकते हो, मन से ही रख सकते हो, किसी की ज़रूरत नहीं, वो कोई उपाधि नहीं है, ठीक है। तो लेखक जनरली अपना नाम, प्रेमचंद्र का भी जो रियल नेम था वो धनपत राय था, वो किस नाम से लिखते थे? प्रेमचंद्र। बालकृष्ण का नाम सुना होगा, मध्य प्रदेश के ही शाजापुर के हैं, नवीन के नाम से कविताएं लिखते, पूरा नाम है बालकृष्ण शर्मा नवीन। गजानन माधव का नाम सुना होगा, भिंड से हैं, भिंड श्योपुर, मुक्ति बोध के नाम से कविताएं लिखते हैं, ठीक है। तो वो पेन नेम होता है, वो ले सकता है, वो टाइटल नहीं है, ठीक है। वो आप अपना खुद का भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, चलिए। और जब आपकी जो लिखी हुई चीज़ें जब वो पॉपुलर होती हैं तो आप उस नाम से फेमस हो जाते हो, नहीं तो दो चार लोग हैं अकेले, हम ही जानते हैं कि हमारा पेन नेम क्या है, ठीक है, ओके। और कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो कल से हम इसको, कल की क्लास में पूरा यहाँ तक 18 तक लिखेंगे, और फिर इसके बाद जो आर्टिकल है उनको समझेंगे, देन फिर उनको एक एक फंडामेंटल राइट को समझेंगे, फिर लिखेंगे, फिर समझेंगे, फिर लिखेंगे, ठीक है। तो जितना पढ़ा उसको रिवाइज़ कर लीजिएगा, कोई डाउट हो लेकर आइएगा,
इतना लिखेंगे देन फिर हम आगे का नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ेंगे कल। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है क्या?